नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल वन जीरो वन में आई होप आपको आवाज अब क्लियरली सुनाई दे रही होगी अभी वॉइस आप सभी को क्लियरली सुनाई दे रही होगी तो दोस्तों बात करते हैं क्ले प्रोडक्ट्स की कल के सेशन के अंदर हमने ब्रिक्स जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था ब्रिक्स के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी कि अगर कॉमन बर्न क्ले ब्रिक्स की हम बात करेंगे तो वो आई एस वन जीरो डबल सेवन यूज करें उसके लिए टू वन एट जीरो यूज करेंगे कोड कि किसके अकॉर्डिंग बोलता है कोड कहता है उनकी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं थ्री पॉइंट फाइव से थर्टी फाइव

स्ट्रेंथ तक के लिए जो उस क्लास तक की जो है उनका 20 परसेंट और बाकियों का 15 परसेंट उससे हायर क्लास का 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा अगर स्ट्रेंथ है तो 15 परसेंट वाटर एब्जॉर्न अलाउड है की बात करेंगे तो 12.5 क्लास तक की ब्रिक के लिए एफ्लोरिस मॉडरेट लेवल का और उससे हायर क्लासेस के लिए वो रहेगा आपका स्लाइट लेवल का इंडियन स्टैंडर्ड कोड टू जो है वो किसके लिए है वी ड्यूटी बर्न क्लेव ब्रिक्स के लिए है फोर्टी और फोर्टी फाइव ग्रेड की ये होती है हमारे पास इनके लिए टॉलरेंस की बात करें तो सेम ही क्राइटेरिया यहां पर वाटर एब्जॉर्शन की जो बात आ जाती है तो वाटर एब्जॉर्प्शन दस परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर कोल्ड वॉटर टेस्ट कर रहे हैं अगर आप पांच घंटे तक बॉइलिंग कंडीशन के अंदर उसको रखेंगे बॉइलिंग टेस्ट अगर आप करेंगे तो उस केस में फिफ्टीन परसेंट से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए सो so, ये हमने डिस्कस कर लिया बल्क डेंसिटी लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था तो बल्क डेंसिटी जो है हैवी ड्यूटी ब्रिक्स की वो 2.5 ग्राम पर सीसी से कम नहीं होनी चाहिए इससे ज्यादा ही रहनी चाहिए उसके बाद दोस्तों बात कर ली थी हमने ब्रिक्स की ब्रिक्स क्या होती है इंपॉर्टेंस क्या है इन सब पोर्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था एंड ब्रिक्स के कॉम्पोजिशन इनकी भी बात कर चुके थे तो ब्रिक के अंदर स्ट्रेचर क्या है हेडर क्या है वी ऑलरेडी नो ब्रिक क्या है बेसिक यूनिट है जो भी हम मेसनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके साइज इज मॉड्यूलर साइज विदाउट मोटार नाइनटीन इंटू नाइन इंटू नाइन होता है अलॉन्ग विद मोटार बात करेंगे तो बीस दस दस सेंटीमीटर होता है कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो 23 थ्री बाय इलेवन बाय सेवन सेंटीमीटर आप याद रख सकते हैं इंचिस के अंदर 9 बाई फोर पॉइंट फाइव बाई थ्री इंचिस हो जाएगा ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन फील्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास होता है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो आई एस कहता है 3.5 से 35 एमपीए अगर कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स की बात करें हैवी ड्यूटी की अगर हम बात करेंगे तो वो 45 एंड 40 वैल्यू हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ यूज कॉमन ब्रिक हो सकती है फेसिंग इंजीनियरिंग ब्रिक हो सकती है अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स बात करेंगे तो सॉलिड है परफोलेटेड है है ब्रिक्स होती हैं तो इनके क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास क्लास फोर्थ ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे सिलिका लाइम ऑक्साइड्स ऑफ आयरन मैगनीशियम सबसे ज्यादा सिलिका फिफ्टी से सिक्सटी परसेंट टू थर्टी परसेंट लाइम चार से पांच रहता है और पांच से छह परसेंट ऑफ आयरन बाकी मैग्नीशिया एक सिलिका जो है वो शेप इंपार्ट करता है जो क्रैकिंग होती है श्रिंकेज जो होता है उसको प्रिवेंट करता है अगर सिलिका ज्यादा हो जाएगा तो कोहेजन लूज कर जाएगी वो ब्रिक पार्टिकल्स जो हैं डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे एल्यूमिना प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है और अगर एल्यूमिना ज्यादा हो जाएगा तो श्रिंकेज और वार्पिंग क्रिएट कर देता है उसके बाद लाइम चार से पांच परसेंट था ये मदद करता है सिलिका जो होती है क्ले के अंदर उसको मेल्ट करने में बाइंडिंग में मदद करता है अगर एक्सेस में हो जाएगा तो इसकी शेप खराब हो जाती है लाइम के कारण लाइम अगर और एक्सेस में होगा तो जब ब्रिक बर्न होगी तो लाइम स्टोन जो है वो क्विक लाइम में कन्वर्ट होगा क्विक लाइम वॉटर के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा या स्लेट लाइम बना देगा जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है जिसके कारण ब्रिक डिस हो जाएगी फिर से टूट जाएगी ऑक्साइड ऑफ आयरन सिलिका और लाइम को आपस में फ्यूज करवाने में स्ट्रेंथ डेवलप करवाने में मदद करते हैं यहां पर इनके कारण रेडिश ब्राउन कलर जो

या स्टोन्स इनके कारण वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं खाली जगह आ जाएगी जिससे कि फ्यूचर में उस ब्रिक के अंदर बन गए हैं, स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी ऑर्गेनिक और, और वेजिटेटिव मैटर होगा तो जब ब्रिक बर्न होगी तो वो मैटर भी बर्न होगा जिसके कारण चैनल्स क्रिएट हो जाएंगे वो गैसेज से इवेक्यूएट करेंगी तो उन चैनल के अंदर फ्यूचर में वहां पर पानी आ सकता है और हमारे ब्रिक की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा या ओवरऑल मेसनरी की स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस कर देगा ब्रिक को प्रिपेयर करने के हमारे चार स्टेप्स प्रिपेरेशन ऑफ क्ले मोल्डिंग ड्राइंग और उसके बाद बात करते हैं बर्निंग की आई होप आप सभी को सब क्लियरली सुनाई दे रहा है दिखाई दे रहा है जिन दोस्तों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो सेशन को लाइक कर सकते हैं ऑल ओके परफेक्ट प्रेपरेशन ऑफ क्ले सिंपल सिंपल स्टेप है बस इसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है टेम्परिंग या पगिंग क्यों करते हैं टेम्परिंग या पगिंग करते हैं प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करने के लिए और सफिशियंट अमाउंट ऑफ हार्डनेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए और पग मिल के अंदर हम इसको करते हैं मोल्डिंग ऑफ क्ले जो है ये उसके बाद क्ले को शेप देना तो जो मोल्ड होता है उसका साइज आठ से बारह परसेंट ज्यादा होता है जो एक्चुअल ब्रिक का साइज होता है ताकि जब ब्रिक बन जाएगी और वो श्रिंक करेगी तो वो उतना है, जो है उसको अकाउंट कर ले हैंड मोल्डेड जो हमारे पास ब्रिक्स होती हैं उनके अंदर तो टेबल पे मोल्ड की हुई ज्यादा अच्छी होती हैं मशीन से अगर आप मोल्ड करेंगे तो इसके अंदर ड्राई क्ले मोल्डेड जो होती हैं उनकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर होती है इतनी चीज याद रखनी है फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ड्राइंग का प्रोसेस ये इमेजेस बस ये शो कर रही है कि इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट हमें ब्रिक्स का लगाना है जिससे कि मैक्सिमम एयर को वो एक्सपोज हो जाए अब सारी की सारी ब्रिक को ऐसे एक लाइन में इस तरीके से तो रखा नहीं जा सकता तो फिर ब्रिक्स को आप कुछ इस तरीके से एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक इस तरीके से आप उनका अरेंजमेंट भी कर सकते हैं जिससे कि एरेशन भी बीच के अंदर बना रहे और कम स्पेस में ज्यादा ब्रिक्स जो है वो भी आ जाए ब्रिक्स को ड्राई क्यों करते हैं ब्रिक्स को अगर ड्राई नहीं किया डायरेक्टली ब्रिक्स को अगर बर्न कर दिया तो ह्यूज अमाउंट में एकदम से स्मोक या फिर ये कह लीजिए कि वो वेपर्स निकलेंगे जिसके कारण ब्रिक जो है वो खराब हो जाएगी एकदम से वार्पिंग भी हो सकती है उसके अंदर श्रिंकेज भी बहुत ज्यादा आ जाएगा शेप बिगड़ जाएगी उसके तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं तो बर्निंग करने से पहले उसको हम ड्राई करवाएंगे ज्यादातर मॉइस्चर को इवेक्पोरेट करवा देंगे नेचुरली ताकि बाद में जब बर्न करेंगे तो ये सारे इश्यूज ना आए क्लैम्पस के अंदर अनकंट्रोल्ड बर्निंग होती है अच्छी क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स नहीं मिलेगी क्लस के अंदर मिलती है पहला प्रोसेस होता है डिहाइड्रेशन का जो कि चार से साढ़े साड़, डिग्री तक चलता है जिसके अंदर वाटर जो है वो इवेपोरेट वहां से हो रहा है उस पूरी ब्रिक के अंदर से वाटर बाहर निकल जाता है फिर ऑक्सीडेशन पीरियड होगा 650 से 900 हंड्रेड यहां पर कंप्लीट कार्बन जो है वो बर्न हो जाएगा फिर उसके बाद विट्रिफिकेशन या फिर ग्लासी जो उसका सरफेस है वो फॉर्म होगा 900 से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो क्लैम्स के बारे में ज्यादा कुछ ऐसी जानकारियां नहीं है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है टॉप से देखें तो फिफ्टीन डिग्री का यहां पर एंगल होता है किल्स के अंदर आती हैं इंटरमीडिएट जो कि रेगुलर सप्लाई ऑफ ब्रिक्स नहीं देती हैं कंटिन्यूस जो होती हैं वो रेगुलर सप्लाई ऑफ ब्रिक्स देती अप अपड्रॉट किल जिनके अंदर गैसेस जो है वो ऊपर से ही बाहर चली जाएंगी डाउन ड्रॉड मतलब कि उस किल के अंदर गैसेस नीचे से जाएंगी उस किल के एटमोस जो एनवायरनमेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट उसके अंदर वो गैसेस उस टेम्परेचर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे हमने कल डिस्कस कर लिया था बोल्ट रेंज किल के अंदर क्या होता है मूवेबल चिमनीज होती है इनको उठा के लेके जाते हैं हॉफमैन के अंदर सेंट्रल फिक्स चिमनी होती है तो बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है टनल किन के अंदर अलग अलग, अलग जोन बने हुएंगे जिनके थ्रू ब्रिक्स पास होती जाएंगी और वो प्रोसेस होती जाएंगी अब बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक यहां से शुरू हो जाता है क्वालिटी एंड टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो कम से कम से ब्रिक आप ले लेते हैं अगर आपके पास कोई भी ब्रिक का का लॉट आता आता है है तो से ब्रिक्स तो उसमें आउट ऑफ दैट फिफ्टी ब्रिक्स को एटलीस्ट आप टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी होती है देखने में ही कैसी अपीयरेंस है उसकी कि, कि कलर जो है वो आपका कैसा होना चाहिए या रेडिश कलर होना चाहिए चेरी कलर होना चाहिए या फिर कुछ येलोइ उसके अंदर हो सकता है वेल बर्न होनी चाहिए उन कम से कम टेबल मोल्डेड तो हो ही कोशिश करेंगे मशीन मोल्डेड हो लेकिन अगर हैंड मोल्डेड भी है तो हैंड में भी टेबल मोल्डेड कम से कम हो शेप अच्छी होनी चाहिए क्रैक्स नहीं होने चाहिए उसके ऊपर तो बेसिक सी चीज ये करते हैं दूसरा डायमेंशन का टेस्ट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 20 ब्रिक्स को आप एक लेंथ के अंदर रख लेंगे तो लेंथ जो है एटी एम mm से ज्यादा प्लस माइनस वेरिएशन ना हो उसका 3800 से अगर हम बात करेंगे की की या हाइट तो 40 mm से ज्यादा वेरिएशन उसका नहीं होना चाहिए तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डायमेंशन टेस्ट टेस्ट फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है साउंड तो दो ब्रिक्स को, ब्रिक को जब आपस में टकराएंगे तो मेटेलिक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए जैसे कोई मेटल आपस में बज रहा है ऐसी आवाज उसके अंदर आनी चाहिए तो मेटेलिक रिंगिंग साउंड क्रिएट होनी चाहिए नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर टेस्ट स्ट्रक्चर टेस्ट की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर टेस्ट की अगर हम बात करें तो होमोजिनियस स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि उसका जब कलर देख रहे हैं आप या उसके अंदर कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट अलग अलग नजर आ रहे हैं एक होमोजिनियस स्ट्रक्चर जो है एक सेम तरीके का यूनिफॉर्म कलर उसके अंदर आपको देखने को मिलना चाहिए कोई भी उसके अंदर ऐसा नहीं हो कोई वर्ड है उसके अंदर ठीक है यूनिफॉर्मली एक सॉलिड ब्रिक जो है वो होनी चाहिए अगर सॉलिड ब्रिक्स बना रहे हैं तो उसके इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाटर एब्जॉर्प्शन की आ जाती है वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो फील्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं आई एस कोड जो हमें बताया है वाटर एब्जॉर्प्शन तो वो आपको सेम उसी के अकॉर्डिंग याद रखना है ट्वेल्ल पॉइंट फाइव से ऊपर है तो कितना ट्वेल्व पॉइंट फाइव से अगर नीचे या ट्वेल्व पॉइंट फाइव तक है तो आपको कितना वाटर एब्जॉर्प्शन तो वो ट्वेंटी और फिफ्टीन वही वाला आप याद रखिएगा ये फील्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स सेकंड क्लास ब्रिक थर्ड क्लास या कॉमन जो बिल्डिंग ब्रिक्स हैं इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास के लिए स्ट्रेंथ कम से कम टेन पॉइंट फाइव होनी चाहिए थर्ड क्लास के लिए फाइव होनी चाहिए और जो कॉमन बिल्डिंग से आप याद रख सकते हैं या ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव परसेंट से भी आप याद रख सकते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा जब भी आपको आई एस कोड वन जीरो सेवन सेवन शुरू करके ऐसा कुछ लिख के अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपका आंसर फॉर ग्रेड अब ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने कोड के अंदर देखा था हमने कोड के अंदर क्या देखा था हमने कोड के अंदर यह देखा वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारे पास अलग अलग ग्रेड्स हैं क्वेश्चन में आपसे हो सकता है यह पूछ लेर अ ग्रेड ऑफ 25 या फॉर क्लास 25 ब्रिक्स क्वेश्चन ऐसे शुरू हो सकता है एज पर आई एस वन जीरो सेवन सेवन एज पर आई एस वन जीरो सेवन सेवन क्वेश्चन कैसे शुरू होगा? तो तो हो तो कुछ, तो हो के के कुछ भी वो वैल्यू बोल देगा इनके अंदर तो उस क्लास की ब्रिक हो गई वो फिर वाटर एब्जॉर्प्शन अगर आपको देखना है तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए यहां जाना पड़ेगा आपको ट्वेल्व पॉइंट की जो आपकी ट्वेल्व पॉइंट न्यूटन स्क्वायर स्ट्रेंथ तक की जो ब्रिक उस ब्रेक के लिए वॉटर 20 परसेंट है और उससे हायर वाली यानी कि 25 है तो तो ऑब्वियसली हायर हो गई इससे उसके लिए वाटर 15 तो आपका आंसर 15 परसेंट होगा तो जब भी कोड को इंट्रोड्यूस करवा दे वो बीच में या फिर इन क्लासेस की वैल्यू अगर आपको दे दे तो आपको यह आंसर करना है क्लियर नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं Absorption टेस्ट हो गया 20, 25, ऐसे याद रख सकते हैं आप फर्स्ट सेकंड थर्ड का अगर इनके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए फर्स्ट क्लास ब्रिक 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 सेकंड क्लास क्लास थर्ड या फिर अगर वो आपसे ऐसे ब्रेक सेना कि एज पर आई एस कोड तो फिर वो याद रखना है फिफ्टीन और ट्वेंटी वाला नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टफनेस टफनेस टेस्ट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि एक मीटर की हाइट से ब्रिक को गिराएंगे अगर टूट गई तो वो टफ नहीं है अगर नहीं टूटी तो ठीक है मतलब टफनेस उसकी अच्छी है अगर हम बात करेंगे हार्डनेस या एब्रेशन की तो हार्डनेस या एब्रेशन क्या होता है हार्डनेस की डेफिनेशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी हम पढ़ते हैं तो हार्डनेस को आप ऐसे समझ सकते हैं अलग अलग टर्म्स में एकदम बेसिक क्लियर कर लीजिए एक सिंपल तरीका तो यह है कि कोई चीज कोई सरफेस देखो बचपन से यह हार्डनेस वाला जो टॉपिक है या फिर हार्डनेस जो वर्ड है ना इसको हम ऐसे समझते हैं ये स्ट्रेंथ से एसोसिएटेड अब क्योंकि हम इंजीनियरिंग में आ गए हैं तो हार्डनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है दोनों में हमें अंतर पता होना कि कब वो टूट जाता है चीज़। उसके कोई लगाया, तो वो कितना कर पा रहा है। ये उसकी कि अगर आप किसी सर्फेस के ऊपर स्क्रैच कर रहे हैं या फिर उस सर्फेस पे जैसे ब्रिक है तो ब्रिक के ऊपर फिंगर नेल से आपने स्क्रैच किया तो उस स्क्रैच को रेजिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आपका जो फिंगर नेल है आपका जो नाखून है क्या उस जो ब्रिक का सरफेस है उसके अंदर पेनिट्रेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो इसको हम टर्म करते हैं किससे हार्डनेस की टर्म्स में तो हार्डनेस कह कह लीजिए लीजिए घिसना कह लीजिए तो इससे क्या होता है? Abrasion, होता है है द रेजिस्टेंस टू या या स्क्रैच जो दैट इज एज हार्डनेस दूसरी डेफिनेशन कि एक मटेरियल दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर पा रहा है या नहीं इसको हम हार्डनेस से ट्रीट करते हैं सो द ब्रिक शुड पोजेस सफिशेंट हार्डनेस की अपने नाखून से उसके ऊपर कोई निशान नहीं पड़ना चाहिए इतनी हार्ड वो एटलीस्ट

फिर वो पाउडर गिर भी रहा है ऐसे कोई केसेस हैं तो उनके अंदर आप बता रहे हैं कि का लेवल क्या है सीवियरिटी उसकी क्या क्या है 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 तो टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं एक 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 हमारे पास एक ग्लास की डिश होती है, एक कंटेनर होता है या पोर्सिलीन की भी हो सकती है अब पोर्सिलीन क्या है पोर्सिलीन भी एक क्ले का ही मेटीरियल है इसकी भी बात करेंगे तो पोर्सिलीन या फिर ग्लास की हमारे पास डिश होगी उसके अंदर पच्चीस एमएम तक का पानी भरा हुआ होगा और उसके अंदर हम ब्रिक को रख देंगे अब जितना सरफेस ब्रिक का उस पानी को एक्सपोज हो रहा है वो हमने देख लिया कि इतना सरफेस पानी का एक्सपोज हो रहा था उसको हम उसको छोड़ देंगे उसको हम पानी के अंदर हमने छोड़ दिया तो या तो वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा या वो ब्रिक एब्जॉर्ब कर लेगी तब तक हम उसको छोड़ देंगे उसके बाद हम देखेंगे कि जितना सरफेस पानी को एक्सपोज था उस सरफेस का कितने परसेंट पे आपको दिखाई दे रहा है अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बोलेंगे का लेवल क्या है नील है अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि एफ्लोरेसेंस का लेवल जो है वो नील है अगर आपको एफ्लोरेसेंस जो दिखाई दे रही है जितने परसेंट एरिया के ऊपर वाटर को एक्सपोज था ब्रिक का सरफेस कितना है, वाटर को एक्सपोज था उस एरिया का अगर दस से लेके

वो वाटर इवेपोरेट ना हो जाए तब तक हम उसे रहने देंगे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम देखेंगे चेक करेंगे एफ्लोरेसेंस का अगर कोई अगर कोई भी उसके ऊपर आपको स्पॉट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं कोई भी निशान धब्बे उसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप बोलेंगे निल एफ्लोरेसेंस है ही नहीं एफ्लोरेसेंस अगर आपको वहां पर दस परसेंट से कम एरिया जो है उसके ऊपर एफ्लोरेसेंस दिखाई देता है तो आप बोलेंगे स्लाइट एफ्लोरेसेंस है दस से लेकर पचास परसेंट के बीच में है दस परसेंट से लेकर पचास परसेंट के बीच में है अगर तो उस केस में बोलेंगे कि मॉडरेट एफ्लोरेसेंस है उस केस में आप क्या बोलेंगे कि मॉडरेट लेवल का एफ्लोरेसेंस है उस केस में मॉडरेट लेवल का एफ्लोरेसेंस है नेक्स्ट बात आती है बोलेंगे? अगर 50 परसेंट से ज्यादा एरिया एक्सपोज्ड है लेकिन पाउडर अभी भी नहीं बन रहा ऐसा नहीं है कि आप जाके हाथ लगाएंगे उसके ऊपर तो वो पाउडर्ड फॉर्म में गिर गया वहां पे तो अगर ऐसा है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा एरिया तो एक्सपोज्ड है स्पॉट्स बन रहे हैं निशान बन रहे हैं उस पर लेकिन पाउडर्ड फॉर्म में वो अभी तक नहीं आया तो आप बोलेंगे हैवी एफ्लोरेसेंस सीरियस एफ्लोरेसेंस कब बोलेंगे जब वो पाउडर्ड फॉर्म में उतरने ही लग जाए पाउडर उसके उतरने ही लग जाए वो एफ्लोरेसेंस जो है वो सॉल्ट्स जो है वो अलग आप निकाल पाए तो उसके इसमें आप बोलेंगे बहुत ही सीरियस एफ्लोरेसेंस जो है वहां पर है तो अब बात आती है कि ये जो है कोड इसके रिगार्डिंग क्या बोलता है कोड जो है वो क्या बोलता है तो या तो ये लास्ट वाली लाइन समझ में आ जाती है तो ये स्टार मार्क करके इसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर या आईईएस के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो आया था इससे रिलेटेड जो है वो अगर 10% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है तो किस लेवल का है है तो आप बोलेंगे कि वो मॉडरेट लेवल का है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर आने वाले टाइम में आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी कहां से बनती है यहां से बनती है कि कोड क्या कहता है फ्लोरिसेंस के बारे में तो स्पेसिफिकेशन जो कोड कहता है वो ये कहता है कि बारह ट्वेल्व पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम एम क्लास की कह लीजिए या स्ट्रेंथ की कह लीजिए तो मैं आपसे 12.5 पॉइंट बोलूंगा तो समझ जाना है 12.5 12.5 न्यूटन पर स्क्वायर स्ट्रेंथ है है उसकी तो तक क्लास जो है, उसके लिए फ्लोरेसेंस मॉडरेट लेवल का अलाउड है और बाकी उससे हायर क्लासेस की अगर हम बात करेंगे हायर स्ट्रेंथ वाली ब्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो उनके अंदर जो एफ्लोरेशन है वो स्लाइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्लाइड तक अलाउड है यही है अभी भी अगर आपको नहीं याद आ रहा तो कोड के अंदर यह जानकारी जो है हमें कहां पर दी हुई थी यहां पर दी हुई थी कोड हमें क्या कहता है एफ्लोरसेंस जो है द प्रोसीजर लेडाउन इन आई एस थ्री फोर नाइन फाइव तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि रेटिंग ऑफ एफ्लोरिस ट्वेल्व पॉइंट फाइव क्लास तक के लिए मॉडरेट होनी चाहिए हायर क्लासेस के लिए स्लाइट होनी चाहिए हायर क्लासेस के लिए स्लाइट होनी चाहिए ट्वेल्व पॉइंट फाइव तक के लिए मॉडरेट होनी चाहिए तो यह चीजें अच्छे से आपको याद हो जानी चाहिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ये पॉइंट समझ में आ गया अब ओवरऑल ये जो पूरी कहानी थी ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है ये वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है फिर आपको बस सिंपली पता क्या होना चाहिए अफ्लोरसेंस क्या होता है पता है कि जब स्पॉट दिखने लग जाएंगे सॉल्ट जो है उसकी विजिबिलिटी अगर आने लग जाती है दैट इज अफ्लोरेसेंस पता लग गया उसके बाद बस ऐसे याद रखना है नील मतलब कुछ नहीं दिख रहा है जितना सरफेस जो ब्रिक का था जो एक्सपोज था वॉटर को उसमें से दस परसेंट से कम पे अगर स्पॉट्स आ रहे हैं तो स्लाइट है दस से लेके पचास के बीच में आ रहे हैं मॉडरेट है पचास से ज्यादा आ रहे हैं लेकिन पाउडर नहीं बन रहा तो हैवी एफ्लोरसेंस है और अगर पाउडर भी बनकर वो गिर रहा है तो सीरियस एफ्लोरसेंस है कोड क्या कहता है कोड कहता है कि 12.5 क्लास तक के लिए मॉडरेट एफ्लोरसेंस अलाउड है 12.5 से हायर क्लास के लिए स्लाइट एफ्लोरसेंस अलाउड है तो ये क्वेश्चंस यहां से बनते हैं तो इस तरीके से पढ़ना है ऐसे नहीं पढ़ना कि वर्ट तो वर्ट सब कुछ याद कर लिया। आया तो अपने दिमाग में ये सारी प्रोसेस करनी शुरू कर दी और ही में, बहुत ही छोटे -छोटे में, ऐसे क्रॉस लगा दिया मतलब कुछ भी नहीं दिखा फिर उसके बाद स्लाइड लिखा तो लेस देन टेन परसेंट दिया मॉडरेट टेन टू फिफ्टी लिख दिया हैवी ग्रेटर बट नो पाउडर फिर सीरियस सीरियस के अंदर क्या लिखेंगे पाउडर इज Found, मतलब पाउडर जो है उसका बनने लग जाएगा सरफेस के ऊपर बस कितना लिखना है तो शॉर्ट नोट में इतनी इतनी छोटी मतलब लिख दिया पर एस कोड क्या कहता है कि जो है वो अलाउड है वाली क्लास में और मॉडरेट अलाउड है 12.5 तक मॉडरेट 12 जो है वो एफ्लोरसेंस अलाउड है उसके बाद आते हैं वॉरपेज टेस्ट वॉरपेन का जो टेस्ट करते हैं तो वॉरपेज टेस्ट जो करते हैं तो कोड जो है मतलब कोड नहीं आने वाले टाइम में नए सवाल जो पूछे जाएंगे ना वो नए सवाल ऐसे ऐसे टॉपिक से पूछ लेते हैं कि रूटीन में जो हम इतना नहीं पढ़ते हैं वो आपसे क्या पूछेगा वॉर्पिंग टेस्ट करने के लिए वॉरपेज टेस्ट कैसा होता है दो टाइप का हो सकता है कि वॉरपेज आप ऐसे कॉन्केव शेप की ब्रिक अगर ब्रिक जो है उसकी शेप कुछ ऐसी बन गई है वो इस फॉर्म में वॉर्प हो गई है ब्रिक जो है वो कुछ इस फॉर्म के अंदर वॉर्प हो गई है

तो वो मैक्सिमम डेविएशन कितना है ये हम नोट कर लेते हैं इसको हम किसकी मदद से कर रहे हैं यहां पे हमारे पास एक वेज होता है वॉर्पिंग वेज कह लीजिए स्टील का रूलर शेप्ड होता है इसके ऊपर यहाँ पर रूलर्स भी लगे होते हैं तो 60 बाई 15 बाई 15 60 जो है इसकी लेंथ होती है इसकी 50 टॉप पे जो वेथ है वो 15 होगी यहाँ पे तो 15 15 ये डायमेंशन है इसके तो 60 बाय बाय 15 by 15 का ये हमारे पास एक वेज होता है जिससे हम ये मेजरमेंट्स करते हैं कि यहां पे ऐसे लगा के देख लेंगे कितना जो है वो है वो लिफ्टेड कितना इसके अंदर वैल्यू हमें मिल रही है यहां पे तो ये वैल्यूज हम चेक करते हैं तो डायमेंशन इसके याद रखने है, कि ये वेज के जो डायमेंशन है वो कितने होते हैं 60 बाय बाय 15 by 15 होते हैं ये अब तक नहीं पूछा है लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा होता नहीं है क्या आप अपने आप को एग्जामिनर की नजर में देखिए कि आपको पता है कि भाई एसएससी पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो अब की बार तो अच्छा पेपर बनाएंगे अच्छा पेपर बनाएंगे तो क्या पूछें ऐसी चीजें पूछें जो रूटीन में कम पड़ी जाती हैं अब रूटीन में कम पड़ी जाती हैं तो आप बुक उठा के खुद सोचिए इसमें से क्या पूछें क्या पूछें तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं तो याद रखिएगा इसमें नहीं तो किसी ना किसी एग्जाम में यह जरूर पूछा जाएगा क्लियर चलो आगे बढ़े आपको कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो आप चैट में बता सकते हैं और जिन दोस्तों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं वॉरपेज टेस्ट समझ में आ गया डायमेंशन इसके याद रख लीजिएगा तो इन शॉर्ट आपको क्या लिखना है वॉरपेज टेस्ट वॉरपेज टेस्ट के अंदर स्टील या फिर आपके पास यहां पर ये जो स्टील का बना हुआ वेज होगा वेज बोल देते हैं इसको ऐसी शेप को क्या बोलते हैं वेज बोलेंगे तो इसके डायमेंशन अगर पूछे तो 60 बाई 15 बाई फिफ्टी और सबसे हाई एंड के ऊपर या सबसे ज्यादा जो डेविएशन है वो नोट कर लिया जाता है नेक्स्ट उसके बाद आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक के ऊपर डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक के अंदर सबसे पहला डिफेक्ट जो आपको देखने को मिलता है डायरेक्टली जो दिख जाएगा कि अगर ब्रिक आपकी कैसी है ओवरबर्न है बहुत ज्यादा बर्न कर दिया है तो ओवर बर्न के अंदर क्या हो जाता है वो ब्रिटल हो जाती है एकदम से टूट जाएंगी तो फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उन ब्रिक्स को तोड़कर फिर उसके बाद उसको रोड मेटल के अंदर यूज कर सकते हैं फाउंडेशन के अंदर यूज कर सकते हैं फाउंडेशन भी कैसे एज ए ब्रिक नहीं यूज करते आपका भी घर बनता होगा तो आप ऐसे सुनना कि हाँ बुक जो ब्रिक्स है वो यूज कर लीजिए या ओवर बर्न ब्रिक यूज कर लीजिए तो उनको तोड़ के अच्छे से क्या करते हैं फाउंडेशन में नीचे स्टार्ट करने से पहले वहां पे लगा देते हैं तो जिससे कि नीचे की जो है अगर उसकी बेरिंग कैपेसिटी कम है या फिर वहां की सॉइल की सफिशियंट स्ट्रेंथ नहीं है तो ये कुछ ना कुछ ये उसके अंदर हेल्प करती है कॉन्ट्रीब्यूट कर देगी तो वहां यूज करते हैं लेकिन नॉर्मल कंस्ट्रक्शन

तो वो ब्रिक्स ऐसी कच्ची सी नजर आएंगे अंडरबर्न ब्रिक होंगी स्ट्रेंथ जो है उनकी बहुत कम होगी तो अच्छी क्वालिटी का जो ब्रिक वर्क है या फिर जहां पे ज्यादा लोड आने वाला है वहां पे हम नहीं यूज करेंगे अंडरबर्न ब्रिक्स जो है उनके अंदर क्योंकि अंडरबर्न ब्रिक्स अगर होंगी तो उसके अंदर आयरन जो है अगर हम बात करें फ्यूजन जो है उनके प्रोसेस नहीं होंगे परमिएबिलिटी जो है वो रिड्यूस नहीं होगी अगर क्योंकि अच्छे से बर्न नहीं किया है उसके अंदर तो आयरन के ऑक्साइड अपना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे इमपर्मिएबिलिटी जो थी वो नहीं बढ़ा पाएंगे तो वाटर इसके अंदर आ सकता है वाटर को यह कर लेंगे बर्न ब्रिक्स फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि बिटुमिन या कार्बन अगर प्रेजेंट होगा इसके अंदर तो ब्रिक के अंदर क्या आ सकता है यहां पे ब्लैक कोर जो है वो फॉर्म हो सकता है या फिर अगर ब्रिक जो है उसके अंदर अंडर रह गई हमने बात की थी शुरुआत में भी कि ब्रिक्स जो है उसका पहला प्रोसेस जो होगा उसके अंदर क्या होगा स्मोकी स्टेज होगी वाटर बाहर निकलेगा फिर नेक्स्ट स्टेज के अंदर जब हम उसका टेम्परेचर 650 या 600 डिग्री से ऊपर जब हम बढ़ा देते हैं तब कार्बन जो है वो बर्न होगा या ऑक्सीडाइज होगा तो अगर उस स्टेज तक पहुंचे ही नहीं है अगर किसी ब्रिक को उतना टेम्परेचर मिला ही नहीं है तो वो ब्लैक कोर फॉर्म कर देगा ब्रिक की ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है यहां पर कम रहेगी उससे भी नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपके पास ब्रिक्स जो है जब वो गर्म थी उसी वक्त उसके ऊपर पानी गिर गया या फिर बारिश आ गई तो इससे क्या फॉर्म हो जाते हैं चप्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं जब गर्म ब्रिक के ऊपर हॉट ब्रिक के ऊपर एकदम से अगर पानी गिर गया तो चप्स फॉर्म हो जाएंगे नेक्स्ट ये बहुत ही सिंपल सी चीज जो आपको देखने को मिलती है चेक्स या क्रैक्स जो है ये फॉर्म होते हैं अब क्रैक्स आने के या चेक्स आने के बहुत सारे कारण होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आयरन पाइराइट्स हो सकते हैं हो सकती है जिसके कारण ये आ सकते हैं तो ये कुछ रीजन हो जाते हैं जिनके कारण ये क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं तो ये क्रैक्स आ जाते हैं सो दिस ऑफ लाइम की वजह से हो सकता है केस ऑफ लाइम लाइम के कारण क्या हो सकता है यहां पर लाइम नोड्यूल्स एक्सपेंशन क्रिएट करवा देते हैं स्लेकिंग हो जाती है जिसके कारण ब्रिक्स जो हैं वो इंटीग्रेट होंगी या फिर ब्रिक्स का यहां पर क्या हो जाएगा क्रैक्स होगा दीवारों के ऊपर ऐसे ब्लैक कलर के पैचेस बन जाते हैं या फिर ऐसे ब्लैक कलर जो है उनके ऊपर आ जाता है ये किसके कारण आता है ये आते हैं ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स आते हैं ये आते हैं आयरन सल्फाइड के कारण ये किसके कारण आ जाते हैं आयरन सल्फाइड के कारण आ जाते हैं तो अब ऐसी ब्रिक्स जिसके अंदर आयरन सल्फाइड प्रेजेंट है उन ब्रिक को आप प्रेजेंट तो नहीं कर सकते हैं प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब फेसिंग ब्रिक के अंदर ऐसी दीवार जिसके अंदर ब्रिक्स दिखे एक्सपोज्ड हो तो नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर एक्सपोज कर दिया तो फिर ये अच्छी नहीं लगेगी ना अपीयरेंस के अंदर अच्छी नहीं आएगी तो आपको याद क्या रखना है आपको याद ये रखना है कि अगर कोई दीवार काली नजर आ रही है कहीं पर भी ऐसे ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं तो आपसे पूछा जाए ये किसकी वजह से है तो ये आयरन सल्फाइड की वजह से ये ब्लैक स्पॉट्स आते हैं जिसकी वजह से आगे जाके ये जो हमारी दीवार है ये हम एक्सपोज नहीं कर सकते मतलब इन ईंटों को इन ब्रिक्स को हम एक्सपोज नहीं कर सकते हैं छुपाना पड़ेगा फिनिशिंग करनी पड़ेगी या कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इसका नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लिस्टर्स की तो अगर मान लीजिए बीच में कहीं ना कहीं कोई एयर रह गई थी होल्स जो है वो प्रेजेंट हो जाएंगे कुछ ऐसा शेप अगर आपको दिखने को मिल जाएगा तो आप ये बोल सकते हैं कि ब्लिस्टर्स जो है वो फॉर्म हो गए एयर हो सकता है यहां पर एंट्रैप हो गई हो जब मोल्ड जो बना था जब उसे बनाया गया था जो उसे आकार दिया गया था अगर उस वक्त उसके अंदर कहीं ना कहीं एयर रह गई या तो ये हो सकता है कि आपने जब उस क्ले को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद उसमें जब प्लास्टिसिटी और उसकी इंप्रूव कर रहे थे आप जब उसको अच्छे से टेम्परिंग कर रहे थे उसकी जब हार्डनेस उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो हो सकता है वो अच्छे से नहीं हुआ हो 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 जिसके कारण उसके अंदर क्या रह रह गए गए या जब जब मोल्ड में आप ब्रिक को आकार दे रहे थे, शेप दे रहे रहे थे थे शेप तो उस मोल्ड के अंदर जब आपने वो क्ले को भरा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं एयर आ गई होगी बीच में जिसके कारण ये ब्लिस्टर्स जो है ये फॉर्म हो गए होंगे तो ब्लिस्टर्स इस कारण से आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन है कि आपको ऐसे ब्रिक की कुछ ना कुछ ये लेयर्स उतर

वेदर आउट ये बाहर निकल जाता है गिर जाता है तो ऐसी ब्रिक्स जो है वो ऑब्वियसली जब इनका पूरी की पूरी एक लेयर ही हट गई तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये ऑब्वियसली नहीं होंगी नेक्स्ट आता है स्पॉलिंग क्या होता है स्पॉलिंग के अंदर क्या होगा कुछ ना कुछ पोर्शन ब्रिक का जो है वो अलग हो जाएगा गिर जाएगा टूट जाएगा ब्रेक हो जाएगा यहां पर तो ये किस कारण से हो जाता है ये इस कारण से हो जाता है कि जब ब्रिक जो है उसके अंदर आपने सफिशियंट उसकी अच्छे से ड्राइंग नहीं की उसको सुखाया नहीं था एयर ड्राइंग उसकी नहीं की बिफोर बर्निंग इट तो इससे क्या हो जाएगा जो ब्रिक के अंदर पानी था वो हीट हुआ हीटिंग ऑफ वॉटर इन साइड द ब्रिक इज कॉज ऑफ स्पॉलिंग उसके कारण ये इसके एजेस जो हैं या फिर कुछ ना कुछ उसका पोर्शन टूट के अलग हो जाएगा तो ये तब की बात नहीं है जब ब्रिक आपके घर पे ट्रांसपोर्ट कर दी गई और जब ट्रक से या फिर जो आपकी ट्रॉली थी जिसके थ्रू ये आया उससे जब उतारा जा रहा था तब वो टूटी नहीं वो स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही अगर इसमें पानी ज्यादा प्रेजेंट था वो उसकी हीटिंग हुई उसकी वजह से स्पॉलिंग जो है वो आपको देखने को मिल सकती है तो ये तो बातें कुछ कुछ थी आने वाले चार से पांच दिन के अंदर कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी ना बिल्डिंग मटेरियल की तो चार पांच दिन तो फोन से पढ़ सकते हैं ना ऐसा थोड़ी ना है कि रोज के रोज ही हमें आज अगर पढ़ रहे हैं आज की पीडीएफ आज प्रिंट करवा रहे हैं ऐसा मत करिए दो तीन दिन तो फोन से काम चल सकता है ना तो फोन से रिवाइज कर लीजिए उससे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अभी के लिए अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं ना ये बेस्ट बेस्ट तरीका हो जाएगा हो जाएगा कि आप जब पढ़ रहे होते हैं ना तो एक अपनी नोटबुक या शॉर्ट नोट्स के लिए आप रेडी रखें पर हाँ सब कुछ मत लिख दीजिएगा उसमें तो शॉर्ट नोट्स में जैसे हम पढ़ रहे थे अब स्पॉलिंग क्या है तो स्पॉलिंग को बहुत ही छोटे शब्दों में स्पॉलिंग लिखा फिर उसके बाद आपने क्या लिखा हीटिंग ऑफ वाटर के कारण होती है और पोर्शन ऑफ ब्रिक फॉल्स ऑफ बस इतना दो तीन वर्डों के अंदर ही उसको लिख दिया तो ऐसा लिख दिया तो आपके शॉर्ट नोट्स हैंड टू एंड भी प्रिपेयर हो रहे हैं कुछ और बातें ऐसी जो यहां पे लिखी नहीं हुई है मैं वैसे बोल रहा हूं आपको लगता है इंपॉर्टेंट है वो भी उसमें नोट डाउन कर ली और जब रिवाइज करना है तो पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपके पास होगी हार्ड कॉपी जो है इसके लिए मुझे पता है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्रिंट करवाना पड़ता है उसके भी बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं तो उसके लिए भी वी आर ट्राइंग टू वर्क फॉर एन एनऑल्टरनेटिव तो थोड़े से टाइम उसके लिए इंतजार कर लीजिए पर काम जरूर चल रहा है इसके ऊपर तो वो भी हम देखते हैं कि उसके लिए बेस्ट क्या पॉसिबल है स्पॉलिंग हो गया हमारे पास अब ये तो हो गए डिफेक्ट्स ब्रिक के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं एक बार फिर से देखते हैं रिवाइज करके इनको क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा तो ओवरबर्न फिर उसके बाद अंडरबर्न फिर अगर बीच में कोई कार्बोनेशियस कॉन्टेंट रह गया जो अंडरबर्न रह गया तो ब्लैक कोर फॉर्म हो जाता है फिर उसके बाद बात करते हैं चप्स तो बारिश का पानी गिर गया गर्म गर्म ब्रिक्स के ऊपर फिर उसके बाद अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रही थी या फिर लाइम जो है वो ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट था तो उसके कारण क्रैक्स आ गए फिर उसके बाद ब्लैक स्पॉट्स जो देखने को मिले किसके कारण मिले आयरन सल्फाइड के कारण देखने को मिले फिर नेक्स्ट बात करें ब्लिस्टर्स तो एयर एंट्रैप हो गई लेमिनेशन के अंदर एक पूरा लेयर जो है वो ब्रिक का यहां से हट रहा है नेक्स्ट आता है स्पॉलिंग तो हीटिंग ऑफ वाटर इनसाइड द ब्रिक के कारण होता है ये और इससे क्या होता है ये ब्रिक्स के जो पोर्शन है ये ब्रेक हो जाते हैं अलग अलग टूट जाते हैं स्ट्रेचर की बात करते हैं लॉन्गर साइड फेस बड़े वाला साइड वाला फेस ये टॉप फेस हो गया जिसके ऊपर फ्रॉक बना हुआ है लॉन्गर वाली साइड जो साइड फेस है स्ट्रेचर कहलाता है शॉर्टर वाली साइड फेस हेडर कहलाता है ये दो बातें आपको पहले से पता है अब कुछ अलग अलग फॉर्म ऑफ ब्रिक को आप देखिए ये जो भी सेशन चल रहे हैं ना मेरे भाई दिल पे मत लेना कि वर्ड टू वर्ड याद करना है इतना सारा याद करना है एक एक दिन में स्लाइड याद करनी है मस्त सुनो फोटो देखो बस दैट इज इट इतना ही करना है जितनी चीजें याद करने के लिए बताई जाए वही याद करनी है अब अगर आपको यह बोला जाए राउंड एंडेड ब्रिग अगर ये फोटो आपने देख ली तो इस ये फोटो ही अपने आप में एक्सप्लेन कर रही है कि राउंड एंडेड ब्रिक कहां कहां यूज की जा सकती हैं आप किसी वॉल के टॉप में या कोपिंग की फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं कोई पैरापेट वॉल थी छत के ऊपर जो हमारी बाउंड्री वॉल होती है वो वॉल थी तो उसके ऊपर आप ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं स्मूथ सर्फेस प्रोवाइड करने के लिए इसको आप ओपन ड्रेन जो ड्रेन होती है नालियां जो होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है उसके अराउंड इस्तेमाल जो है इसे किया जा सकता है उनके अंदर आप बना सकते हैं शार्प एज रखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई व्हीकल के थ्रू या फिर वो टूटने के एजिस ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या यूज किया जा सकता है बुलनोज ब्रिक सेम परपज के लिए दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है राउंड वाली जो है वो तो कंप्लीटली इस तरीके से राउंड आपको नजर आ रही है बुल नोज के अंदर आप ये कह लीजिए कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसका ऐसा नोज ऐसा कर दिया इसके एज को यहां पर हल्का सा कर्व शेप हमने दे दी है इनके अंदर दोनों में छोटा छोटा डिफरेंस आ गया अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ इसको ड्रेंज में यूज करेंगे क्या नहीं और ज्यादा जहां पर भी आर्किटेक्चर डिमांड करता है जहां पे भी किसी स्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर ऐसा डिमांड करता है ऐसी शेप की वैसी शेप में भी इन्हें यूज किया जा सकता है फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है कैंट ब्रिक कैंट ब्रिक जो है एक साइड से या दोनों साइड से यहां से भी इसको क्या कर रखा है सरफेस को कट कर रखा है एक साइड से किया हुआ है दोनों साइड से भी हो सकता है इस तरफ से भी इस तरफ से तो कैंट ब्रिक बोल सकते हैं या डबल कैंट ब्रिक बोल सकते हैं इनका इस्तेमाल जो किया जाता है वो कहां पर किया जाता है डोर और विंडो के जो जैम्स होते हैं साइड वाला पोर्शन जो ऐसे आपको दिखाई देता है तो डोर और विंडोज के अंदर मतलब डोर या विंडो बना रहे हैं और ये भी ऑप्शनल है जरूरी नहीं है कि हर डोर विंडो के जैम के अंदर क्या कैंड ब्रेक यूज होती है नहीं यूज किया जा सकता है इनको यहाँ पे तो अब ये वाला जो पोर्शन होता है ना तो इस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जैम्स बोल रहे हैं तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना दिस इज वॉट जैम्प अब ये जो डोर आपको दिखाया गया ये तो ऐसा डोर दिखाया गया है कि जिसके पूरे जैम के अंदर ही वुडन पोर्शन बना हुआ है पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो जैम के अंदर ही आ रहा है ऐसा है यहां पे लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूं यहां पे अगर आपको कुछ ऐसी अपीयरेंस देनी है जिसके अंदर यहां से ये यह मटीरियल ऐसी शेप के अंदर आए तो यहां पे ये यह ब्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैम ब्रिक्स यूज करते हैं आज के टाइम आपको ये नहीं देखने को मिलेगी क्यों नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ज्यादातर जो भी हम यूज करते हैं यहां पे कंक्रीट या सीसी ब्लॉक्स जो है वो यूज कर लेते हैं हम वो ब्लॉक्स यूज कर लेते हैं पार्टीशन वॉल्स के लिए भी और जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर वो यूज होते हैं पुराने जो टाइम में अगर हम बात करें या फिर नॉर्मली सीधी ब्रिक्स जो है वो यूज कर लेंगे स्टील के फ्रेम्स होते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम के फ्रेम्स होते हैं उनको हम फिक्स कर देते हैं वुडन कर सकते हैं यूज बहुत पैसे हैं तो अदरवाइज एल्यूमिनियम या फिर जो स्टील है वो प्रेफर कर लिया जाता है तो उनके फ्रेम्स जो है वो डायरेक्टली इंटेक्ट हो जाते हैं तो पुराने जो टाइम के होंगे उनके अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है इस तरीके के जैम्स जो है वो ब्रिक्स के थ्रू बनाए हुए कॉर्निस ब्रिक अब कॉर्निस ब्रिक की भी कोई हार्ड एंड फास्ट ये शेप नहीं है कि ऐसी हो कॉर्नेसिस जहां पे भी आपको अच्छी अपीयरेंस देनी है जैसे ये देखिए कि यहाँ के जो कॉर्निस ब्रिक है इसका शेप जो है वो अलग है यहां पे तो जो भी कॉर्नेसिस होती हैं जिनको मेजर करते हैं रनिंग मीटर के अंदर जिनकी लेंथ मेजर करते हैं आर्किटेक्चरल आस्पेक्ट है ये अपियरेंस देनी है हमें अच्छी अपियरेंस दिखे हमें यहाँ पे जो भी आपकी दीवार है या सीलिंग है उनके ऊपर भी आपको यहाँ पे कॉर्नेस जो है वो देखने को मिल सकती है एक्सटीरियर वॉल जो है वहां पे भी आपको देखने को मिल सकती है पुराने स्ट्रक्चर के अंदर या जो इंग्लिश स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर आपको ये देखने को मिल सकती है तो कॉर्निस ब्रिक कुछ ऐसी होती है आर्किटेक्चरल व्यू के अकॉर्डिंग हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट कंपस ब्रिक क्या होती है कंपस ब्रिक ऐसी ब्रिक होती है जो लेंथ के अलॉन्ग दोनों साइड से इस साइड से भी इस साइड से भी लेंथ के अलोंग दोनों साइड से टेपर्ड होती हैं या फिर आप ये कह लेंथ के ऐसे हमने इसको टेपर कर दिया अब इसका इस्तेमाल कहां पे किया जा सकता है आर्चिस टाइप के जो भी स्ट्रक्चर हो गए या फिर जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कोई फर्नेस है कोई भट्टी है कोल्ड रीजन के अंदर जहां पर इंटरनली घर के अंदर हॉल जो है जैसे मान लीजिए उसको अगर टेम्परेचर उसका बढ़ाना है गर्म करना है सर्दियों के टाइम पे तो इनका यूज किया जा सकता है तो इसके अंदर ये जो ब्रिक्स आपको नजर आ रही है एक टर्म हम और भी यूज करते हैं स्टोन्स के केस में जब आर्चिस और स्टोन की बात करते हैं तो हम वहां पे क्या बात करते हैं वो सॉयर की बात करते हैं वैसी कुछ शेप मान लीजिए क्योंकि ये ब्रिक है क्ले से हमने खुद बनाई है स्टोन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे तो इसीलिए हम इसको कंपस ब्रिक कह देते हैं लेंथ के अलॉन्ग दोनों साइड से ये टेपर हो रही है तो ये आपको याद रखना है अब इसमें ज्यादा दिख रही है टेपरिंग इसके अंदर कम दिख रही है लेकिन इसमें भी है तो यहां पे इसका यूज किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही वर्ड यूज करेगा इसीलिए मैंने ये यहां पे इमेज भी आपको दिखाई है वो ऐसा ही वर्ड यूज करेगा फर्नेसिस के टॉप के अंदर ये कर्व पोर्शन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है चार ऑप्शन दे देगा आपको कॉर्निस ब्रेक कंपस ब्रेक पहले के जो भी ऑप्शन है राउंड एडेड ब्रेक कैंट ब्रेक ऐसा करके कुछ बोल देगा तो आपको पता होना चाहिए कंपस ब्रेक कैंट ब्रेक की बात करें तो जैम्स के अंदर कौन सी यूज होती है डोर विंडोज के जैम्स में कैंट ब्रेक इस्तेमाल होती है कॉर्निस ब्रिक आर्किटेक्चरल फीचर्स के लिए और ऐसी जब भी शेप हमें कॉट शेप प्रोवाइड करनी होती है कंपस ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट आती है परफोरेटेड ब्रिक परफोरेटेड ब्रिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा पहला क्वेश्चन क्या होगा परफोरेटेड ब्रिक जो है इसके अंदर बॉन्डिंग और बेहतर हो सकती है ब्रिक का वेट जो है वो बहुत कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज होल्स इसके अंदर ये होल्स प्रेजेंट होंगे तो उसकी वजह से ब्रिक का वेट बहुत कम हो जाएगा मटेरियल जो भी आएगा अब क्या परफोरेटेड है तो परफोरेटेड में यहां पे होल्स ज्यादा हो गए होल्स ज्यादा है तो क्या जो मोर्टार है वो ज्यादा नहीं यूज होगा यूज़ तो बस ये काम कर रहा है तो हम उसमें कंजूसी नहीं कर सकते, सकते कितनी हो तो कि अच्छी होगी इस दीवार की तो बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी नेक्स्ट बात जो है वो क्या है कि इन वॉइड होने की वजह से इसका वेट जो है वो थोड़ा हल्का रहेगा है। इतनी हैवी नहीं होगी एज कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी ब्रिक तो ये भी समझ में आ रहा है सर मैं बेसिक से कैसे स्टडी करूं प्लीज टेल मी अब यहाँ पे आप बताइए कौन सी रॉकेट साइंस चल रही है ये भी तो बेसिक ही चल रहे हैं दोस्त कल से बैच स्टार्ट हुआ है कल से हमने पढ़ना शुरू किया है आज दूसरा सेशन है आराम से बस फोटो देखनी है बातें सुननी है मजे करने हैं बस इतना ही करना है तो वो करिए ना क्या प्रॉब्लम है उसमें टाइमिंग की बात मैं बता देता हूं टाइमिंग जो हमारे सेशन होंगे वो सेशन सेशन के ऊपर तो हम पर डेली करेंगे करेंगे अब 9 पी से 9 से 9 से दस चलेगा सर नौ से कब तक चलेगा तो ये कब तक का सवाल तो मत पूछिएगा प्लीज क्योंकि अभी हमारे पास ये टाइम नहीं है टाइम डिस्कस करने का हम टॉपिक ओरिएंटेड चलेंगे आज का जो टॉपिक आपको दिख रहा है वो आज का टॉपिक खत्म होगा अब उसमें कितना भी टाइम लगेगा आपको 9 पीएम एम यूट्यूब सेशन हमारा उसके बाद बात करेंगे सेवन पी एम अब ये सेवन पीएम का टाइम क्यों सेलेक्ट किया गया मैंने आपसे पोल मांगा था एक और उस पोल के अंदर आप ही ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें सबसे ज्यादा पोल इसके आए थे ठीक है तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए जो मेजोरिटी में है उसके अकॉर्डिंग कंसीडर किया गया पहला कारण तो ये दूसरा कारण ये कि सेवन पीएम तक आपको रिवाइज जैसे आज 9 बजे वाली क्लास हुई रात को क्लास हो गई आराम से टेंशन फ्री होके सो जाइएगा इस क्लास के बाद अपने आप को ये बोल के कि हाँ भाई तुमने आज बहुत मेहनत की है तुमने कल से ज्यादा प्रोग्रेस किया तुमने क्लास ली तुमने सारी चीजें समझ ली हैं। सुबह उठ के आराम से रिवाइज करूंगा सुबह जल्दी उठिए चार बजे पांच बजे छह बजे छह बजे तो लास्ट है उससे पहले उठना ही उठना है फिर उसके बाद जो पहले पढ़ चुका है आप जैसे ये सब्जेक्ट अगर खत्म हो जाएगा तब इसको रिवाइज करना है या फिर कल रात को जो हुआ वो फटाफट रिवाइज कर लेना है कोई शॉर्ट नोट्स हैं किसी एक सब्जेक्ट के वो पूरे अच्छे से पढ़ लेने हैं या कोई सब्जेक्ट जो पूरा पढ़ रखा है आपने उसको पढ़ना शुरू करना है सुबह सुबह तो वो बेस्ट टाइम होता है सेल्फ स्टडी का फोन वगैरह सब कुछ बंद कर दीजिए कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं आएगा तो सुबह सुबह वो पढ़ सकते हैं और अगर तब भी नहीं टाइम मिल पाया तो वो पूरा दिन होगा आपके पास शाम को सात बजे तक जो हमने अब यहाँ पे YouTube पे आज पढ़ लेंगे तो कल शाम सात बजे तक उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा तो शाम को सात बजे अन अकेडमी की ऐप के ऊपर स्पेशल क्लास होगी उस स्पेशल क्लास के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो वाला काम वहां पर आ जाएगा आपका तो सेवन पी एम पे अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लास जो ऐप के ऊपर होती है वो होगी और शाम को पांच बजे फाइव पी के ऊपर हमारा प्लस सेशन होगा अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो सेशन होता है वो शाम को पांच बजे होगा ठीक है देखिए दोस्त ज्यादा अब इसमें अगर ग्यारह बजे करेंगे रात को ग्यारह बजे बहुत ज्यादा थक जाएंगे जबरदस्ती अपने आप को ऐसी सजा देने की भी जरूरत नहीं है पूरा दिन हमारे पास स्ट्रेटेजी के साथ भी काम कर सकते हैं ये टाइमिंग्स जो है वो मैंने मोस्ट टू मोस्ट पुश करके और उसके बाद आप सबसे पूछ के ही किए है।, है ना मैंने तो बहुत सारे ऑप्शन दिए थे फिर उसमें से जो जो चीजें आपने बेस्ट बताई वो है फिर भी एक बार शुरू करते हैं एक हफ्ते दो हफ्ते करते हैं फिर आपके जो भी ओपिनियन होंगे जो भी व्यूज होंगे वो सारे लिए जाएंगे टाइमिंग चेंज करने की जरूरत होगी तब कर लेंगे लेकिन ये यूट्यूब वाला किसी भी हालत में ये टाइम तो चेंज नहीं होगा नाइन पी पे ये रहेगा उसके अलावा ये वाले फिर भी देख सकते हैं ठीक है चलो अब वापस पढ़ना शुरू करते हैं परफोरेटेड परफोरेशन प्रेजेंट है होल्स प्रेजेंट है इसके ऊपर तो ऐसी ब्रिक जो है इनकी खास बात क्या है डिस्कस कर ली हमने यहां पे ये होल्स का प्रेज जो वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रेकअप 25 परसेंट से एक्सीड कर सकता है लेकिन अगर एक्सपोज्ड एरिया की मैं बात करूं इस एरिया की अगर मैं बात करूं कि कितने एरिया के अंदर ये होल्स प्रेजेंट है तो वो एरिया 30 से 40 परसेंट से ज्यादा एक्सीड ना करें हम कोशिश करेंगे तीस से ज्यादा ना एक्सीड करें लेकिन चालीस या पैंतालीस तो मैक्सिमम है फोर्टी इज द मैक्सिमम की फोर्टी से ज्यादा वो एक्सपोज ना हो तो ये एरिया जो है ये टोटल एरिया का 45% परसेंट से ज्यादा ये परफोरेशन का या होल्स का एरिया 45% परसेंट से ज्यादा तो किसी हालत में नहीं होना चाहिए कोशिश करेंगे 30 से ज्यादा ये ना हो अब इनके अंदर कुछ एडिशनल जानकारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेवन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इनकी कम से कम होनी चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा वो ना करे कई बार ये होता है कि नए क्वेश्चंस अगर पूछेंगे ना तो वो यहां से पूछ सकता है कि फॉर परफोरेटेड ब्रिक परफोरेटेड ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम से कम कितनी होनी चाहिए तो सेवन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होनी चाहिए पंद्रह से ज्यादा वॉटर को वो एब्जॉर्ब ना करे एफ्लोरेसेंस की बात करें तो स्लाइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए

नोट्स कैसे बनाने हैं क्या करने हैं ये भी मैं कल ऑलरेडी बता चुका हूं पीडीएफ मिल जाएगी जो भी थ्योरिटिकल कंटेंट है उनका तो वो टाइम बचा सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं तो लिखूंगा तो बहुत अच्छी बात है अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है लेकिन टाइम बचाना है अगर आपको इनकेस तो थ्योरिटिकल सब्जेक्ट जो है उनके आप पीडीएफ ले सकते हैं उनसे पढ़ सकते हैं लेकिन शॉर्ट नोट्स फिर भी हैंड रिटन बनाने ही बनाने हैं हॉलो ब्रिक की बात करते हैं तो हॉलो ब्रिक जैसा इसमें और इसमें देख सकते हैं दोनों में अंतर क्या आ जाता है इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये आ जाएगा कि जो आपकी परफोरेटेड ब्रिक है ना वो परफोरेटेड ब्रिक्स जो होती हैं वो इतना हीट या साउंड इंसुलेशन इतना अच्छा नहीं प्रोवाइड करती है ये परफोरेटेड ब्रिक होगी इतना अच्छा हीट या साउंड इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड करेगी क्यों क्योंकि इसके थ्रू कंडक्ट हो जाएगा ना बीच में कोई कैविटी नहीं है बीच में खाली जगह नहीं है बीच में कोई गैप नहीं है यहाँ पे सिर्फ होल्स प्रेजेंट है यहाँ पे तो ये होल्स इतने भी ऐसे नहीं है कि ये किसी चीज को ब्लॉक कर दे, हीट को ब्लॉक कर दे तो इन दोनों की में, एक के में बात करेंगे, तो हाँ, इनमें तो इन ज्यादा अच्छा हीट एंड साउंड इंसुलेशन इसका होगा क्योंकि बीच में गैप है ना दो लेयर्स आ गई ये बोलते हैं ना हम ऐसे जैसे कैविटी वॉल के अंदर एक शब्द यूज किया था हमने जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे कैविटी वॉल पढ़ते हैं ना दोबारा पढ़ेंगे यूट्यूब लीव्स की बात कर रहे हैं तो ये एक लीव ये आ गई दूसरी लीव ये आ गई, तो ऐसे दो layers आ हीट इंसुलेशन तो इनका अच्छा होगा लेकिन अगर हम वैसे बात करेंट्रीब्यूट कर पाएगा सो टोटल ऑफ होल्स विच नीड नॉट टू बी स्मॉल स्मॉल होल्स होना जरूरी नहीं है बड़े बड़े होल्स इसके अंदर प्रेजेंट है तो मे एक्सिड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ दॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स दीज है वेट ऑफ नॉर्मल ब्रिक्स तो हॉलो ब्रिक का जो वेट होता है वो नॉर्मल ब्रिक के लगभग वन थर्टी होता है साउंड और हीट प्रूफ होती है लेकिन ऐसी जगह के ऊपर नहीं है जहां पे एकदम से कंसंट्रेटेड लोड आ जाए कंसंट्रेटेड लोड का मतलब कि पॉइंट लोड एक जगह पर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है तो अगर ज्यादा लोड यहां पर आएगा कंसंट्रेटेड आएगा एक जगह पर कंसंट्रेटेड है तो वो यहां से इसको ब्रेक भी कर सकता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आना चाहिए और ज्यादा इंटेंसिटी का ना है अब ज्यादा कितनी इंटेंसिटी कि इनकी स्ट्रेंथ हम ये मानते हैं कि कम से कम 3.5 न्यूटन पर स्क्वायर हो तो 3.5 न्यूटन पर एम एम इसकी स्ट्रेंथ मानते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप ये मान लीजिए थ्री पॉइंट फाइव आई इसके ऊपर ठीक है हाँ जी अगर आप के सब्सक्रिप्शन पर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई तक ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आपको टेन परसेंट प्लस टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट और एडिशनल कुछ और ऑफर्स वो आप यूज कर सकते हैं संदीप डबल पन कोड मॉड्यूलर साइज एंड स्टैंडर्ड साइज आर सेम और नॉट मॉड्युलर और स्टैंडर्ड साइज सेम है दोस्त नाइनटीन इंटू नाइन इंटू नाइन लेकिन ट्वेंटी टेन टेन जो है, वो उसका nominal size है. मतलब उसके अलॉन्ग मोरटार का साइज है हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं दोस्त बस ये जो लिखा हुआ है ये अंग्रेजी में है तो आप आराम से समझ सकते हैं जो मैं भाषा बता रहा हूं ब्रिक मतलब खोखला अंदर से जो होता है चलो आगे बढ़ते हैं हॉलो ब्रिक वहां यूज होता है जहां पे आपको मान लीजिए गर्मी बहुत ज्यादा है ऐसी जगह जहां पे आपको अंदर एसी इंस्टॉल करवाना है बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आप चाहते हैं कि जनरली जो भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनमें इशू क्या होता है कि दिन में बहुत ज्यादा जब हीट आती है ना तो वो हीट को एब्जॉर्ब करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं और रात को वो हीट जो है वो वहां से क्या होगी रिलीज होगी उसके अंदर से वो ये इशू हो जाता है तो उसके अंदर हीट वेव्स निकलेंगे एक तरीके से ऐसा आप मान सकते हैं तो रात को आपको लगेगा कि भाई बहुत ही बुरी हालत हो रही है रूम के अंदर सो पाना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है तो ऐसे केसेस में आप क्या कर रहे हैं ये जो हीट का कंडक्टेंस ना हो पाए हीट जो है वो उसके थ्रू ट्रेवल ना कर पाए तो ऐसे केस में आप होलो ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं ये हॉलो ब्रिक और कहां सुटेबल हो सकती वाले सिस्टम के अंदर आप देखिए कि अब फ्लैट के अंदर अब ये दीवार है इस दीवार के पार दूसरे पड़ोसी का घर है अब दूसरा पड़ोसी अगर हल्की फुल्की कुछ भी आवाज उसके घर के अंदर आएगी तो वो इमीडिएटली आपको सुनाई देगी यहाँ पे तो ऐसे केसेस में हॉलो ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कि साउंड इंसुलेशन मिल पाए ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो आपके घर के आसपास कोई हाईवे है तो कंटिन्यूअस ट्रैफिक मूव कर रहा है वहां पे तो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि घर को उठा के कहीं दूर ले जाएं आप वहां पर तो ऐसे केस में जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो यू शुड नो इट कि हाँ कैसे एटमॉस्फेयर कैसे एनवायरनमेंट के अंदर है हीट इंसुलेशन साउंड इंसुलेशन चाहिए तो इनका यूज किया जा सकता है क्लियर आगे बढ़ते हैं चलो घर घर की बातें बाद में करेंगे नेक्स्ट आती है नेक्स्ट टाइप की जो ब्रिक्स आती है वो कोपिंग कोपिंग ब्रिक्स ब्रिक्स होती हैं अब coping ब्रिक्स की भी कोई एज सच एक शेप नहीं है बहुत सारी शेप की हो सकती हैं जैसे जो पैरापेट वॉल्स के अंदर जनरली ये आपको देखने को मिल जाएंगी तो इस तरीके से कुछ कोनिकल शेप हो सकती है टॉप के अंदर इस तरीके से टेपर्ड फॉर्म के अंदर हो सकती हैं या फिर राउंडेड हो सकती हैं तो किसी भी शेप के अंदर हो सकते हैं कोपिंग ब्रिक्स पैरापेट पैरापेट वॉल के के अंदर यूज होती है 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 तो बस ये ये नाम याद है और ये याद रखना रखना कोपिंग और या छत ऊपर जो हमारी दीवारें होती है बाउंड्री वॉल जिनको बोल देते हैं उनके अंदर हम यूज करते हैं पैरापेट तो वॉल के अंदर तो यूज करते हैं कोपिंग तो ब्रिक्स का उसके बाद आते हैं मैसनरी के ऊपर अब मेसनरी का मतलब है कि कंक्रीट और मोर्टार को यूज करके स्ट्रक्चर बना रहे हैं अब दीवार बना रहे हैं कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं ब्रिक्स का बना रहे हैं अब एक तो मैशनरी को हम पढ़ेंगे कहां पर जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो मैशनरी स्टोन से भी आएगी ब्रिक से भी आ जाएगी वहां पे भी दोबारा पढ़ेंगे तो तब उसको हम किस एस्पेक्ट से पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन वाले एस्पेक्ट से पढ़ेंगे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम बिल्डिंग मटेरियल वाले एस्पेक्ट से हम पढ़ रहे हैं ठीक है तो अभी बिल्डिंग मेटीरियल सब्जेक्ट चल रहा है बिल्डिंग मेटीरियल के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे और वहां पर किस एस्पेक्ट से देखेंगे उसको कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एस्पेक्ट से वहां पर देखेंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे वहां पर पहले बात कर रहे हैं ब्रिक मेसनरी तो एक ब्रिक को लेंथ के पैरेलली कट कर दिया या उसकी विड्थ को हाफ कर दिया अब शब्दों का खेल है समझ में आना चाहिए कि एक ब्रिक को लेंथ के अलोंग कट किया या फिर उसकी विड्थ को आधा काट दिया तो उसे क्या बोलेंगे क्वीन क्लोजर बोलेंगे अगर एक ब्रिक को कुछ इस तरीके से काटा कि उसकी लेंथ को भी हाफ कर दिया उसकी विड्थ जो थी उसको भी हाफ कर दिया लेंथ को भी हमने क्या कर दिया हाफ कर दिया आधी लेंथ पे काट दिया यहां पे एल बाई टू ही बचा और उसकी विड्थ जो थी वो डब्ल्यू बाई टू सॉरी हा ये वे हमारी थी टोटल W और ये लेंथ हमारी थी कितनी L तो लेंथ को L बाई टू कर दिया और जो थी हमारी उसको भी हमने W बाई टू कर दिया तो लेंथ और वेथ दोनों हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा क्वीन क्लोजर का क्वार्टर हो जाएगा क्वार्टर मतलब यहां पे वन फोर्थ वाला क्वार्टर हो जाएगा ठीक है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ किंग क्लोजर बात करते हैं अभी अब नेक्स्ट आया किंग क्लोजर किंग क्लोजर के अंदर हमने क्या किया एक लेंथ कर बात करते तो अब कितना पोर्शन इसमें बच चुका है आधी ब्रिक तो यहां कंप्लीटली बची फिर उसके बाद वन फोर्थ यहां पे बची तो हाफ ब्रिक तो यहां बची हुई है हमारी फिर उसके बाद वन फोर्थ पोर्शन ऑफ ब्रिक यहां बचा हुआ है और वन फोर्थ का भी ये हाफ यानी कि वन एट्थ पोर्शन यहां पे बचा हुआ है तो हटा कितना वन एट्थ हटा तो आपने माइनस कितना किया वन एट्थ माइनस किया मतलब एक किंग क्लोजर के अंदर कितनी ब्रिक बची हुई है एक क्रिंग क्लोजर के अंदर सेवन बाई एट्थ पोर्शन ऑफ ब्रिक बचा हुआ है समझ में आ गया एक किंग क्लोजर के अंदर सेवन बाई एट्थ पोर्शन ऑफ ब्रिक बचा हुआ है समझ में आ रहा है सिंपल सी चीज है कि अगर आधी ब्रिक को एक ब्रिक की आधी लेंथ हटाई

एक लेंथ को पूरी उड़ा दो और एक विड्थ को आधी उड़ा दो तो अब ऐसा ट्रायंगुलर पोर्शन जब हट जाएगा उससे तो ऐसी ब्रिक को क्या बोलेंगे बिवेल्ड क्लोजर हम बोलेंगे वन लेंथ और वन विड्थ सेम रही ये वाली लेंथ और ये वाली विड्थ सेम रही वन लेंथ एंड वन विड्थ वन लेंथ कंप्लीट रिमूव की गई वन विड्थ आधी रिमूव की गई तो अंग्रेजी में जो डेफिनेशन लिखी होगी एग्जाम में क्वेश्चन में वो क्या लिखी हुई होगी

ऑफलाइन अभी तो नहीं है दोस्त होगा तो जरूर बताएंगे आपको क्लोजर्स क्लोजर्स समझ में आगे होंगे आपको नेक्स्ट आते हैं बैट्स के ऊपर बैट्स के अंदर क्या होता है कि अब यहां पे कट किसको कर रहे हैं या तो ये कहिए कि वृद्ध के पैरेलल कट लग रहे हैं वृद्ध के पैरेलल कट लग रहे हैं मतलब हमारा ऐसे कट लगा रहे हैं हम इसमें वृद्ध के पैरेलल या ये कह लीजिए कि लेंथ को कट कर रहे हैं तो अगर आधी लेंथ काट दी जाए ब्रिक की या लेंथ लेंथ पे पे मिड कट लगा दिया हमने पैरेलल तो हाफ बैट कहलाएगा अगर थ्री फोर्थ लेंथ के ऊपर लगाया तो थ्री क्वार्टर बैट तो क्वार्टर बैट मतलब वन फोर्थ ऑफ ब्रिक थ्री क्वार्टर मतलब तीन क्वार्टर वन फोर्थ इंटू थ्री टाइम्स ऑफ अ ब्रिक सो थ्री क्वार्टर बैट का मतलब हो जाएगा कि यहां पे थ्री बाय फोर टाइम्स ऑफ लेंथ हो गया

बैट बोलेंगे इसे जो जो आपको दिखता है टर्म हम ये एक्सटीरियर 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं 90 से थोड़ा ज्यादा होता है उसको भी बोल देते हैं हम पे पे और यहाँ पे जो भी ब्रिक प्लेस्ड होती है उसको क्यूआइन हेडर या क्यूआइन वाली ब्रिक जो है वो भी हम इसको बोल देते हैं सो इट इज एक्सटीरियर एंगल एट द फेस ऑफ वॉल दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नाइंटी डिग्री तो यहां पे जो आपको ये क्यूआइन देखने को मिलता है अब आते हैं ब्रिक मैशनरी पर तो ब्रिक मैशनरी के अंदर चीजें क्या क्या है पार्टिसिपेंट कौन है एक पार्टिसिपेंट है ब्रिक दूसरा पार्टिसिपेंट है मोर्टार ब्रिक है एक इंडिविजुअल यूनिट हो गई जिसकी खुद की स्ट्रेंथ जरूरी होनी चाहिए कि अच्छी है और दूसरा मोर्टार जो कि अलग अलग ब्रिक्स को ज्वाइन करवाएगा तो क्या ब्रिक की अगर स्ट्रेंथ अच्छी है क्या मोर्टार अच्छी ग्रेड का है तो बात बन जाएगी नहीं बनेगी अगर नहीं जाएगा कि ये ज्वाइंट आपस में कनेक्टेड होते जाएंगे और जहां पर भी अगर कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ या फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी दीवार के अंदर अगर सेटलमेंट आ रही है कहीं पर थोड़ी ज्यादा कहीं पे थोड़ी कम या फिर अगर विंड लोड की वजह से किसी भी लोड की वजह से अगर कहीं पे भी सेटलमेंट की वजह से भी हो सकता है कि एक दीवार थोड़ी सी झुकने लग गई अगर किसी तरफ तो जहां पे भी वीक जॉइंट्स बन गए वीक जॉइंट्स कनेक्ट हो गए तो इस तरीके से आपको फेलियर देखने को मिल जाएगा अब चाहे इसके अंदर आपने ब्रिक्स कितनी ही अच्छी क्वालिटी की यूज की हो चाहे आपने इसके अंदर ये मोर्टार कितनी अच्छी क्वालिटी का यूज किया हो तो मोर्टार की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है उसकी भी तो एक लिमिटेशन है ना ऐसे थोड़े ना है कि एकदम बिल्कुल परफेक्टली ज्वाइन करवा दिया चाहे जैसे मर्जी चिपका दिया आपने उसको तो ऐसा नहीं होता ज्वाइंट जो है उनकी प्लेसमेंट जो है ब्रिक्स की ओवरलैपिंग जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए ब्रिक्स की इंटरलॉकिंग जो है ब्रिक को कैसे प्लेस कर रहे हैं तो वो जो प्लेसमेंट है या उनकी जो बॉन्डिंग है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएगी तो वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे ऐसे केस में इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप देखते होंगे ना ऐसी दीवारें कि हाँ मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग ऊपर टाइटल ये लिखा होगा और नीचे लिखा होता है कि एक इंसान आराम से जाके पैर से लात मारता है और वो ब्रिक गिर वो पूरी की पूरी दीवार गिर जाती है तो ये भी हो सकता है उसके अंदर कि अच्छे तरीके से मोटर जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज किया हो लेकिन जो नेक्स्ट बड़ा रीजन आ जाता है वो यही है कि स्किल ऑफ द मैसन जो मैसन है जो मिस्त्री है जिसने उस उस दीवार को बनाया है उसके अंदर प्लेसमेंट की है ब्रिक्स की वो प्लेसमेंट अच्छे से नहीं हुई जिसके कारण ऐसे फेलियर्स आपको देखने को मिलते हैं तो इन बॉन्ड्स के अंदर सबसे पहला बॉन्ड आता है इंग्लिश बॉन्ड अब डेफिनेशन याद रखनी है पहली चीज तो हम ये नहीं चाहेंगे कि ऐसे सीरीज ऑफ कनेक्टेड वॉइड्स बन जाए सीरीज ऑफ कनेक्टेड वॉइड्स बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन है यहां पे देखिए आप ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं सिर्फ इतने पोर्शन को अगर आप गौर से देखेंगे इस पोर्शन के अंदर ये देखिए कि यहां पे क्या बन रहा है

नीचे जब आप ब्रिक रख रहे थे तो एक ब्रिक ये आई दूसरी ब्रिक आगे ऐसे आगे एंड फर्दर सो ऑन तो ऐसे केस में क्या होगा ये वाला ज्वाइंट इसकी लाइन में आ रहा है ये वाला ज्वाइंट इसकी लाइन में आ रहा है यहां पर तो जब वर्टिकल ज्वाइंट सेम लाइन में आ जाते हैं ना कि एक आप यहां पर हेडर की पूरी लेयर रखी आपने एक आपने पूरी स्ट्रेचर की लेयर रखी तो, एक की, फिर उसके बाद एक तो ऐसा फेलियर होना शुरू हो जाएगा आराम से तो इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं इसको ब्रेक करने के लिए क्वीन क्लोजर यूज करते हैं एक क्वीन क्लोजर यहां पर रख देंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि ये इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा ये ज्वाइंट आपस में ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे तो अब ये हेडर यहां रखने के बजाय ये ब्रिक ऐसे रखी जाएगी तो बचपन में जो ड्राइंग में बनाते थे ना हम दीवार बनानी होती थी तो वो हमेशा कैसे बनाते थे ऐसे ओवरलैप करवा देते थे वो तो हमारा स्ट्रेचर स्ट्रेचर वाला डायग्राम चलता था इस केस के अंदर के एक लेयर पूरी हेडर की एक पूरी स्ट्रेचर की तो आधा हेडर का डिफरेंस डाल दिया हमने आधे हेडर का डिफरेंस डालने का मतलब हमने किसका यूज कर लिया क्वीन क्लोजर का यूज कर लिया तो क्वीन क्लोजर को जब यूज कर लेंगे तो ओवरलैपिंग हाफ ब्रिक हाफ ऑफ हेडर वन फोर्थ ऑफ ब्रिक की जो लेंथ है उसके बराबर की ओवरलैपिंग हमने उसके अंदर डाल दी तो जिससे कि ये वर्टिकल जो जॉइंट्स थे इसके इशू हमारा सॉल्व हो गया यहां पर सेम लाइन के अंदर ये नहीं होंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या प्लेस करते हैं हम इंग्लिश बॉन्ड के अंदर जो वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ ज्वाइंट्स को ब्रेक करने के लिए तो हम प्लेस करते हैं क्वीन क्लोजर का अब क्वीन क्लोजर की खुद की विथ कितनी हो जाएगी आधी इंट है वो हाफ ब्रिक है वो वो भी के आपने उसको से, इसको बिल्कुल किनारे पे नहीं रखते हैं किनारे पे तो एक पूरी अच्छी एक ब्रिक जो है वो रखेंगे और उसके पास में उसको रख देंगे वहां पर ताकि ये वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ ज्वाइंट जो है ये हमारे ब्रेक हो जाए तो आप इसके अंदर अगर डायग्राम में देखेंगे तो कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं नजर में आएगा कि सेम वर्टिकल लाइन के अंदर कोई ज्वाइंट आ रहे हैं तो एक हेडर रखा फिर उसके बाद यहां पर क्यूआईन हेडर रख दिया फिर उसके बाद ये यह यहां पर हमारा जो ये क्वीन क्लोजर है सॉरी ये रखा क्वीन क्लोजर उसके बाद आगे ऐसे रखते गए हम तो हेडर फिर उसके बाद यहां पे ये यह वर्टिकल जॉइंट जो सेम वर्टिकल लाइन में आ रहे थे अब वो नहीं आ रहे हैं जैसे इस केस में देख लीजिए यहां वाला जॉइंट नहीं आ रहा ये नहीं आ रहा ये नहीं आ रहा कोई भी ज्वाइंट सेम वर्टिकल लाइन के अंदर नहीं आएंगे तो इंग्लिश बॉन्ड के अंदर होगा क्या एक लेयर पूरी हेडर की एक लेयर पूरी स्ट्रेचर की और उसके बाद यहां पे हमने क्या रख दिया इसके अंदर यहाँ इन क्लोजर जो है वो रख दिया वर्टिकल अलाइनमेंट्स ऑफ जॉइंट को ब्रेक करने के लिए ऑपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो इस साइड अगर आपको ये पूरा हेडर, हेडर, हेडर दिखाई दे रहा है इस दीवार के इस तरफ अगर खड़े होंगे तो यहां पे हेडर हैडर हेडर अगर आपको दिखा तो ऑपोजिट फेस में जो रूम के अंदर होगा जो इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई पर्सन होगा तो उसे इस लेयर के क्या दिखेगा यहां पे इस तरफ स्ट्रेचर 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 आपको नजर आएगा तो ऐसा किस केस में होगा वन एंड हाफ ब्रिक वन एंड हाफ थिक जो होगी अब थिकनेस किससे बताते हैं ब्रिक की लेंथ से बताते हैं अब एक ब्रिक की लेंथ

For the walls having thickness in odd multiples of half brick, each हाफ shows header on one face and stretcher on other. यहाँ पे header दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ अंदर वालों को stretcher face जो है वो दिखाई देगा या फिर जैसे इस तरफ अगर आप खड़े तो इस वाली दीवार के ऊपर यहाँ पे अगर आपको stretcher, stretcher, stretcher दिखाई दे रहा है तो जो अंदर खड़ा है उसे यहाँ पे क्या दिखाई देगा header, header, header मिनिमम लैप अवेलेबल इज़ मिनिमम लैप कितना अवेलेबल है तो ये हमारे पास एक ब्रिक थी इस ब्रिक के हाफ पोर्शन की हमने बात की थी कि क्वीन क्लोजर की बात की थी तो सिर्फ इतने पोर्शन इतने हाफ पोर्शन की बात की थी इस ब्रिक की लेंथ अगर 19 सेंटीमीटर होती है या फिर विद मोर्टार 20 है तो यहाँ पे ये कितना होता है 10 होता है टेन का भी हाफ कितना हो गया फाइव तो विद इन कंपेरिजन टू ट्वेंटी ये कितना हो गया इसका वन फोर्थ हो गया ना तो ओवरलैप जो प्रोवाइड किया जाता है वो ओवरलैप कितना होता है वन फोर्थ ऑफ द लेंथ ऑफ ब्रिक ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सो ऑफ ऑफ द लेंथ ब्रिक के बराबर ओवरलैप प्रोवाइड यहां पर किया जाता है सो so, बाकी और इंग्लिश बॉन्ड के अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है अगर आप वन ब्रिक वॉल बना रहे हैं एक ब्रिक थिक वॉल बना रहे हैं अगर आप वन एंड हाफ वाली बना रहे हैं तो वो हमने ऑलरेडी यहां पर देख लिया तो किस किस फॉर्म के अंदर ये पॉसिबल है यू कैन सी इट बस मेन जो इसका बेसिक रहेगा वो इसका बेसिक ये रहेगा वन कंप्लीट लेयर ऑफ हेडर एंड अनदर वन कंप्लीट लेयर ऑफ स्ट्रेचर ये इंग्लिश बॉन्ड की सबसे मेन बात जो है वो रहेगी नेक्स्ट आएगा फ्लेमिश फ्लेमिश में क्या होगा स्ट्रेचर हेडर हेडर स्ट्रेचर स्ट्रेचर हेडर ऐसा चलेगा एक ही लेयर के अंदर ऐसा चलेगा। एक लेयर के अंदर स्ट्रेचर है फिर हेडर है फिर फिर है, है। हेडर तो ऑल्टरनेट स्ट्रेचर एंड हेडर्स इन सेम इन सेम लेयर। तो सेम लेयर के अंदर ऐसा चलेगा तो अब इसमें आप देख लीजिए यहां पे देखिए अब यहां पे भी ये वर्टिकल लाइंस में ये जो जॉइंट्स आ रहे थे इनको ब्रेक करना पड़ेगा कि ऐसे नहीं रख सकते हैं सेम तरीके से कि एक ब्रिक स्ट्रेचर आया उसके ऊपर ये आपने यहां पे हेडर रखा और फिर ये वाला स्ट्रेचर रखा तो हर थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद या फिर ये कह लीजिए वन एंड हाफ ब्रिक लेंथ के बाद ये वर्टिकल जो ज्वाइंट है इनकी प्रॉब्लम आ जाएगी तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे फिर से वैसा ही अरेंजमेंट करेंगे तो पहली चीज तो आप ये देख लीजिए कि लेयर बाय लेयर हमने कैसे रखा अब एक यहां पे आपको स्ट्रेचर फेस नजर आ रहा है ये स्ट्रेचर फेस फिर उसके बाद ये हेडर फेस फिर ये स्ट्रेचर फेस फिर उसके बाद हेडर फेस टॉप व्यू से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर जब ये हेडर दिखाता यहां पे तो ऐसे ब्रिक रखी हुई थी ये स्ट्रेचर दिखाता यहां पे तो ब्रिक को ऐसे रखा हुआ था फिर ये हेडर ये स्ट्रेचर एंड सो ऑन बीच बीच में ये जो गैप्स हैं यहां पर आधी ब्रिक या फिर बैट्स जो हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं यहां पे, यहां पे भी हो गया यहां पे भी हो गया यहां पे भी हो गया तो ये भी आपको नजर आ रहे हैं

तो इंग्लिश बॉन्ड इज फाउंड टू हैव हायर स्ट्रेंथ देन फ्लेमिश बॉन्ड ये जनरली हम देखते हैं यहां पर इंग्लिश बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है फ्लेमिश बॉन्ड दिखने में अच्छा होता है एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है जैसे आप क्या बोलते हैं कोई तो भी अगर आप जगह जाते हैं जैसे यहां पे गुड़गांव के अंदर एक बहुत ही फेमस मॉल है एम्बियंस मॉल तो वो क्या बोलते हैं कि यहाँ का एम्बियंस बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा है एम्बियंस दिखने में ज्यादा अच्छा है वो तो एम्बियंस वर्ड हम यूज कर लेते हैं एस्थेटिक है स्थेटिक मतलब दिखने में फिट लग रहा है आप किसी को देख के आप क्या बोल सकते हैं कि जैसे जिम वगैरह के अंदर ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं स्थेटिक बॉडी तो स्थेटिक मतलब फिट एंड फाइन है दिखने में अच्छा लग रहा है तो वैसे ही यहाँ पे फ्लैमिश बॉन्ड इज एस्थेटिकली मोर प्लीजिंग एस्थेटिक दिखने के अंदर अच्छा लगता है ये लेकिन इंग्लिश बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और यही ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फिर आपको चार ऑप्शन देगा उन ऑप्शन में एक स्टेटमेंट देगा इंग्लिश बॉन्ड इज इंग्लिश बॉन्ड हैज स्ट्रेंथ देश बॉन्ड फिर नेक्स्ट देगा फ्लैमिश बॉन्ड इज स्थेटिकली मोर प्लीजिंग फिर दो और कोई और ऑप्शन बना देगा तो उनमें से आपको क्या चूज करना है वही ऑप्शन चूज करने की इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रेंथ में अच्छा है और फ्लैमिश बॉन्ड जो है वो दिखने में अच्छा है एस्थेटिकली अच्छा है क्लियर समझ में आ गया ठीक है चलो आगे बढ़े इंग्लिश बॉन्ड का वन फोर्थ वाला समझ में नहीं आया ओवरलैप का आपको बताया ना दोस्त कि वन फोर्थ ओवरलैप होने का मतलब क्या था हमने एक ब्रिक को एक ईंट को लेंथ के पैरल ही आधा कट कर दिया तो ये ऐसा था अब ये कितना ओवरलैप हुआ ये एक ब्रिक को इस दूसरी ब्रिक के ऊपर ओवरलैप कैसे करवाया ये स्ट्रेचर था हमारा और इसके ऊपर ऐसे ब्रिक रखना हमने शुरू कर दिया ये ब्रिक रखी फिर उसके बाद यहां पे एक और रखी और इसके मिड के ऊपर तो एक कंप्लीट ऐसे हेडर आ जाएगा यहां वाला जो हेडर होगा ना नेक्स्ट वाला वो ऐसे जाएगा आधा इधर और आधा इधर तो ये जो ओवरलैपिंग हुई ना ये इतना पोर्शन ओवरलैप किया इसके ऊपर इस तरफ से भी देखेंगे तो ये इतना पोर्शन ओवरलैप किया तो ये ओवरलैप जो किया है वो एक्चुअल में क्या किया है कि ये हेडर्स रखे हुए थे ना तो ये हेडर का इस विड्थ का भी आधा ओवरलैप किया या यहां पे देखिए कि ओवरलैपिंग कितनी हुई इतनी सी ओवरलैपिंग हो रही है ना तो पूरी ब्रिक की लेंथ विड्थ मोर्टार अगर 20 थी विड्थ उसकी 10 हो गई इतना पोर्शन ओवरलैप कर रहा था तो फाइव हुआ ना या फिर ये कह लीजिए ओवरऑल वन फोर्थ पोर्शन ओवरलैप कर रहा है यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो इतना पोर्शन ओवरलैप कर रहा है ऊपर वाली ब्रिक के अंदर ओवरलैपिंग देखेंगे तो यहां पे देख सकते हैं आप कि इतना ही पोर्शन ओवरलैप कर रहा है कहीं पे भी देख लीजिए पूरे पॉइंट अगर इस ज्वाइंट के अंदर बात करेंगे तो वन फोर्थ ऑफ लेंथ के बराबर कर रहा है ठीक है आगे बढ़ेंगे फ्लेमिश बॉन्ड हो गया हमारा फ्लेमिश बॉन्ड जो है वो दिखने में अच्छा होता है इंग्लिश बॉन्ड जो है वो किसके अंदर अच्छा होता है स्ट्रेंथ में अच्छा होता है स्ट्रेचर की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेचर जनरली पार्टीशन वॉल के अंदर जो बचपन में ड्राइंग बनाते थे ना कि दीवार की फोटो बनाओ तो दीवार की फोटो के अंदर हम इंजीनियर्स को यही आता था हम इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग की हुई है एक तो वो ड्राइंग करते थे ना हम बचपन में एक ऐसे वाली हट बनानी आती है हमें एक हट बना देते थे फिर उसके बाद पीछे पहाड़ बनाने आते हैं हमें पहाड़ के बीच में सूरज बनाना आता है यहाँ से एक नदी जाती है एक पेड़ बनाना आता है हमें इतनी इंजीनियरिंग आती है इतनी ड्राइंग आती है मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट हमारा यहीं पे सिमट जाता है उसके बाद किसके ऊपर आ जाता है जो भी हमारी दोस्त होती थी वही काम किया करती थी ड्राइंग में जो भी और हाथी घोड़े जो भी बनाना होता था वो सब बनाने के लिए हमारी ड्रॉइंग यहाँ सिमट जाती थी एक और बनाते थे हम दीवार वाली तो वो दीवार वाली कैसे बनाते थे जो बनाते थे वो स्ट्रेचर वाली बनाते थे ऐसे स्ट्रेचर बॉन्ड ऐसे ईट बना दी फिर दूसरी बना दी इनके बीच बीच में ऐसे ओवरलैपिंग हमने दिखा दी यही आता था चिड़िया भी होती थी जिसमें तो बहुत ही बड़ा एकदम हैमफ हुसैन बन गए चिड़िया बना के तो ये भी बना देते थे होता था तो ये जो ड्राइंग बचपन में बनाते थे ना हम वो क्या बनाते थे स्ट्रेचर बॉन्ड वाली बनाते थे स्ट्रेचर वाली बनाते थे महिला मित्र इन दिनों में भी अगर महिला मित्र थी तो आप महान हैं फिर पढ़ने लिखने की आपको जरूरत नहीं है आप ऑलरेडी बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड की बात कर रहे हैं स्ट्रेचर बॉन्ड के अंदर क्या होता है पूरा सब जगह स्ट्रेचर ही चलेगा जब सब जगह स्ट्रेचर ही चलना है यहां पे, तो अब ओवरलैपिंग जो होगी वो कितनी होती है एक ब्रिक दूसरी ब्रिक के ऊपर कितना ओवरलैप कर रही है अपनी लेंथ के हाफ के बराबर ओवरलैप कर रही है यहां पर ओवरलैपिंग ये होती है अब इस अलाइनमेंट को यह सेम वर्टिकल लाइन में ज्वाइंट ना आ जाए ऐसे एक के ऊपर एक ब्रिक्स ना रख दें हम इस अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए हमें आधी ब्रिक की जरूरत पड़ेगी कितनी ब्रिक की इस ब्रिक के हाफ पोर्शन की जरूरत पड़ेगी जिसको हमने यहां पे ये यह रख दिया है और इसको हम क्या बोलते हैं हाफ बैट बोलते हैं क्लियर इसको हम क्या बोलते हैं हाफ बैट बोलते हैं यूजेस की अगर हम बात करें तो यूजेस आपको बताया इंग्लिश बॉन्ड जहां स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी चाहिए हो बॉन्ड जहां पे आपको दिखने में अच्छा हो मतलब आपको घर के अंदर ऐसी कोई दीवार बनानी है जो ओपन विजिबल रहे मतलब उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर नहीं कर रहे हैं या फिनिशिंग नहीं करवा रहे हैं ऐसा कुछ करना है फ्लेमिश बॉन्ड यूज करिएगा वहां अगर आपको ऐसी दीवार बनानी पार्टीशन वॉल जैसी होगी तो उसके अंदर स्ट्रेचर बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं हाफ ब्रिक थिक जो है ये होगी आधी ब्रिक के थिक के बराबर होगी

अब इनके अंदर यहां पे ये जो अलाइनमेंट ब्रेक करना है ऐसे एक सिधाई के अंदर, एक के अंदर वर्टिकल जॉइंट्स तो हर एक ऑल्टरनेट कोर्स के अंदर क्योंकि एक कोर्स से दूसरे कोर्स का अलाइनमेंट अगर ब्रेक कर दिया तो इसके अंदर फिर उसके बाद नेक्स्ट एक छोड़ के इसमें ही तो प्रोवाइड करना होगा तभी तो ये ऑल्टरनेट जो है वो हो पाएंगे तो थ्री फोर्थ ऑफ बैट हम इस तरीके से यहाँ पे यूज कर लेंगे जिससे कि इस तरफ की ओवरलैपिंग भी इस तरफ की भी ओवरलैपिंग जो है वो हो जाती है हमारी यहाँ पे और हमारा पर्पज जो है वो सॉल्व हो जाता है तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्ले का प्रोडक्ट था वो था ब्रिक और ब्रिक की भी जो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस कर ली मोटे मोटे तौर पर ज्यादातर जो सवाल है वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे ब्रिक से अगर आएंगे तो वो इनमें ही आते हैं फिर उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट जो क्ले प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं जैसे कि आपको देखने को मिलता है टेरा कोटा, टेरा कोटा क्या होता है? जहां पर भी ऐसा होगा कि कार्बिंग नहीं की गई है क्ले से ही है वो लेकिन क्ले से कोई स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं तो वो किसके होंगे टेराकोटा के अंदर टेरा होते हैं वो यहाँ पे और क्या क्या, -क्या यूजेज होते हैं टेराकोटा के हॉलो ब्लॉक्स होते हैं मैशनरी के अंदर यूज कर सकते हैं स या आर्चिस के अंदर यूज किए जा सकते हैं जहां पे आपको आर्किटेक्चरल फीचर्स देने हो अच्छा दिखना हो स्टेचूज के अंदर हो सकता है ऑर्नामेंटल वर्क के अंदर हो सकता है फायर प्रूफ होते हैं तो इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है फायर प्रूफ टेराकोटा इज मोस्ट फॉर फॉर केसिंग स्टील कॉलम्स एंड बीम्स ये क्या है स्टील तो वैसे भी नहीं फायर अगर आग लगी तो स्टील कौन सा जल जाएगा उससे स्टील को प्रोटेक्ट करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब भी कोई फायर आउटब्रेक होगी अगर आग लगेगी ना कहीं पे भी अगर तो स्टील को प्रोटेक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर उसका इलांगेशन आ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के ऊपर वो मेल्ट तो नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन उसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे आप देखते होंगे ना कि जब भी कोई लोहार होता है या फिर जो आयरन मैन होता है मतलब आप समझ जाइए ब्लैक स्मिथ की मैं बात कर रहा हूं जो ब्लैक स्मिथ होता है वो क्या करता है पहले लोहे को गर्म करता है फिर उसके बाद क्या करता है उसको हिट करता है उसकी शेप चेंज करने के लिए तो वो डिफॉर्म होना आसान हो जाता है तो इसी तरीके से जब भी कोई अगर आग लगती है तो उसके अंदर स्टील के लिए जो नुकसानदायक चीज होती है वो होती है उसके डिफॉर्मेशन ये नहीं है कि वो पिघल जाएगा वो पिघलेगा नहीं लेकिन डिफॉर्मेशन ज्यादा आ जाते हैं तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है उस टेम्परेचर से उस हीट से उस आग से प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हम वहां पे टेराकोटा जो है इसका हम यूज कर सकते हैं और इसके अलावा टेराकोटा जो है वो पोरस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है पोरस होगा अंदर से तो इंसुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है इसको टेराकोटा को अब टेराकोटा के अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है इसकी बात कर लेते हैं टेराकोटा के अंदर मेजर जो क्वांटिटी होती है पचास साठ परसेंट वो तो क्ले ही रहता है फिर उसके बाद इसके अंदर राउंड ग्लास होता है क्रश्ड पॉटरी होती है वो भी उसके अंदर यूज कर सकते हैं सेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं इन सबको मिलाकर टेराकोटा जो है वो बनाया जा सकता है टेराकोटा को अगर हमने अच्छे टेम्परेचर के अंदर रिफाइन किया है उसको अगर मैग्नीशिया यूज कर सकते हैं उसके अंदर तो उससे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक ऐसी क्ले जिसको अच्छे से बर्न कर लिया हमने तो टेरा का मतलब खुद ही होता है क्ले और वेल बर्न है अगर वो तो टेरा कोटा फॉर्म हो गया यहां पर और इसको हम एज अ रिफ्रैक्टरी क्ले प्रोडक्ट भी हम इसको यूज कर सकते हैं मतलब बहुत हाई टेम्परेचर कितना टेम्परेचर होगा रिफ्रैक्ट्री ने इसके लिए जल्दी से बता दीजिए कल तीन बातें डिस्कस की थी रिफ्रैक्टरी फिर उसके बाद हाई मेल्टिंग लो मेल्टिंग तो रिफ्रैक्टरी वाला जो टेम्परेचर था वो कितना था कितने टेम्परेचर से ऊपर रिफ्रैक्टरी बोलेंगे जल्दी से बताइए हाँ जी कल हमारे यहां अकेडमी के ऊपर सेशन होंगे प्लस आ, स्पेशल क्लास होगी इन जनरल ठीक है 1700 भी कहीं ना कहीं किसी किताब में लिखना आपको मिल जाएगा वैसे अगर हम बात करें तो 1580। वैसे रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की बात करें तो 1700 डिग्री टेम्परेचर हम उनके लिए बोलते हैं लेकिन इन जनरल क्ले प्रोडक्ट्स की रिफ्रैक्टरीनेस की बात आती है जब भी तो वो रिफ्रैक्टरीनेस के लिए टेम्परेचर यूज किया जाता है पंद्रह 1580 डिग्री टेम्परेचर पर जो मेल्ट ना हो उससे ज्यादा पे हो मतलब इतने टेम्परेचर तक तो सरवाइव कर जाए तो रिफ्रैक्टरीनेस जो है इसके अंदर अच्छी होती है टेराकोटा की और इसके अंदर आप आयरन ऑक्साइड जो है उसको अगर वेरी करवा के उसका और कलर जो है वो भी ला सकते हैं इसके अंदर और इंग्रेडिएंट मिक्स कर सकते हैं पाउडर्ड ग्लास जो है उसको मिक्स किया जा सकता है पॉटरी जो भी आपके मटके वगैरह ये जो भी होते हैं उनको पॉटरी बोल सकते हैं वो पॉटरी है उसकी क्रश्ड फॉर्म के अंदर कि उस क्ले को ऑलरेडी बर्न करके कोई मटका बना लिया फिर उसको अच्छे से क्रश कर दिया पॉटरी को अच्छे से क्रश कर दिया हमने फिर उसके बाद उसको यहाँ पे फिर से यूज कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ और एनहेंस मिल जाएगी हमें यहाँ पे पगिंग अच्छे से करेंगे अच्छी उसके अंदर और हार्डनेस आ जाएगी यहाँ पे टेराकोटा कोटा इम्परवियस होता है उसके थ्रू पानी जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता है हार्ड होता है सस्ता होता है अब चीप वर्ड यूज करने से हम इकोनॉमिक यूज़ करना शुरू कर दें ज्यादा बेहतर रहेगा है।, है ना किसी भी चीज को चीप बोलते हैं तो चीप मतलब चीप मतलब साउंड कर जाता है वो आपकी ऑल क्लासेस कहां मिलेगी ऑल क्लासेस यहां मिलेगी दोस्त क्लियर वन ब्रिक थिक का मतलब होता है कि एक ब्रिक की जो लेंथ है ना उसके बराबर थिक वॉल मतलब दस सेंटीमीटर की जो थिक वॉल होती है 10, नहीं सॉरी सेंटीमीटर की तो ट्वेंटी सेंटीमीटर लेंथ की जो वॉल वॉल है सेंटीमीटर जिसकी थिकनेस है दीवार की अब ऐसे लाइन में ब्रिक्स रख दिया आपने तो ये वन ब्रिक थिक वॉल है वन एंड हाफ है तो ट्वेंटी प्लस हाफ ऑफ दैट तो मतलब थर्टी सेंटीमीटर थिकनेस जिस वॉल की है उसको वन एंड हाफ थिक ब्रिक वॉल बोल देंगे आधी है मतलब एक बॉल ऐसे ब्रिक्स रख रहे हैं आप स्ट्रेचर 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 ये रख रहे हैं तो ये क्या हो गई आधी ब्रिक के बराबर है हाफ ब्रिक थिक बॉल है क्लियर टेराकोटा के यूज समझ में आ गए टेराकोटा का कम्पोजिशन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉर्सिलीन तो पॉर्सिलीन के बारे में ज्यादा बताने से पहले बस एक बार आप ये देख लीजिए क्ले तो है ही क्ले का प्रोडक्ट है यहां पे िन अब जैसे ये कंटेनर है तो इसके अंदर अगर पानी डालेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये खुद इसको एबजॉर्व कर लेता है वाटर को ये अच्छे से नहीं करेगा ग्लेज्ड होता है ग्लेज मतलब इसके ऊपर एक शाइनिंग होती है एक तरीके से अब वो ग्लेज जो है वो किसी कलर की भी हो सकती है जैसे आपको यहां पे व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है या आपने पोर्सिलीन के और भी डिशेज देखे होंगे आपने और भी कंटेनर या कोई भी मान लीजिए कि ये क्राफ्ट है एक तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट है आर्ट है कि कोई ना कोई कंटेनर जो है वो बनाया हुआ आपने देखा होगा पोरसिलीन का तो है ये बेसिकली क्या क्ले के ही प्रोडक्ट्स हैं या फिर वेयर ही हैं इसके अंदर बस इसके अंदर और ग्लेजिंग जो है वो बेहतर कर दी जाती है इतने जो इनके टेम्परेचर होते हैं वो हाई टेम्परेचर के ऊपर इनको हम क्या कर देते हैं हीट कर देते हैं जिससे कि इम्परवियसनेस इसकी बढ़ जाती है इसके थ्रू वाटर ट्रेवल नहीं करेगा और क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज कर सकते हैं इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं क्ले केओलिन Quads और उसके बाद हम इसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लेज जो है उससे भी कवर कर देते हैं शाइनिंग आ जाती है इसके इसके अंदर ग्लेजिंग मटेरियल को फायरिंग करने से से पहले पहले आग लगाने ऊपर लगा दिया जाता है अप्लाई कर दिया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर पार्टिकल्स जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं बाकी सारे कॉन्स्टिट्युए के साथ मिलकर एक हार्ड डेंस मटेरियल जो है वो बना देते हैं तो पोरोसिटीज की खत्म हो जाती है मतलब इसमें अगर आप लिक्विड या फ्लूड स्टोर करेंगे अच्छे से इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इसके थ्रू पानी बाहर नहीं आ पाएगा यहां पर

ग्लेज होगा मतलब शाइनिंग होगी इसके ऊपर या ग्लेजिंग होगी स्मूद होगा थोड़ा जैसे आप ग्ले पेपर आता है ना वैसे उसी तरीके से एक ऑर्डिनरी पेपर होता है एक ग्लेज होता है आपका थोड़ा सा स्मूद सा होता है वैसा गुड रिफ्रैक्टरी मेटीरियल गुड रिफ्रैक्ट्री मेटीरियल मतलब हाई टेम्परेचर को भी ये सस्टेन कर जाता है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल नहीं करेगी नेक्स्ट आती है बर्ंट क्ले जालीज बर्न क्ले जालीज जनरली ये कहां पे पे देखी होंगी आपने आपने देखा होगा जहां पे भी हल्का फुल्का पार्टीशन प्रोवाइड करना होता है आप होटल्स में जाएंगे बड़े बड़े अगर होटल्स में अगर आप देखेंगे जहाँ पे भी वॉशरूम्स होते हैं उन वॉशरूम्स के बाहर आपको ऐसी देखने को मिल सकती है पुराने टाइम की आजकल तो जो है पीवीसी या अलग मटेरियल्स के भी आने लग गई वो लेकिन पहले के टाइम में अगर आप देखेंगे या पुराने अगर फोर्ट वगैरह में देखेंगे जहां पे भी ये है कि एयर तो निकल जाए वेंटिलेशन तो बना रहे लेकिन कहीं ना कहीं विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए थोड़ा बहुत विजन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए ऐसी ऑब्स प्रोवाइड करनी हो अगर आपको तो इन जालीज का आप यूज कर सकते हैं सो आर नॉर्मली फॉर प्रोवाइडिंग अ स्क्रीन ऑन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरापोट और बाउंड्री वॉल्स टोटल वॉइड एरिया शुड नॉट एक्सीड फोर्टी परसेंट मतलब ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर ये जो वॉइड है ना खाली जगह है ये चालीस प्रतिशत से ज्यादा इसको कवर ना करे यहां पे शुड बी टेन एम एम वाइड एंड थ्री एम एम डीप यहां पर आपको मोर करना है तो वो कम से कम टेन एम एम वाइड होना चाहिए होने वाली हैड मोल्डेड होती है जनरली अच्छी क्वालिटी को आप मशीन से भी बना सकते हैं मशीन के थ्रू भी इन जालीज को प्रोड्यूस किया जा सकता है जो भी इनके डायमेंशन होते हैं या वॉइड होते हैं उनके अंदर टॉलरेंस तीन परसेंट तक का अलाउड होता है और ये 1.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक के लोड को अब क्योंकि ये लोड बियरिंग नहीं है पार्टीशन के लिए यूज कर रहे हैं बस इनको हम दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं हम इनको तो इसके लिए इसकी 1.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक की स्ट्रेंथ भी चल जाएगी वाटर एब्जॉर्बशन जो है वो 15 परसेंट से ज्यादा ना हो एफ्लोरेसेंस लाइट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इनके अंदर जो वार्पिंग आए वो तीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ये मेन मेन बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है वॉरपेज का मतलब होता है बेंड हो जाना मुड़ जाना इस तरीके से जैसे पहले ब्रिक ऐसी थी अब वॉर्प हो गई मतलब ऐसे हो 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 गई गई उसके उसके गए शेप खराब हो उसके. तो वॉरपेज बोलते हैं इसको हो जाना क्ले का बिल्डिंग मटेरियल में यूज क्या है अभी बात तो कर रहे हैं कि अगर कहीं पे पार्टीशन आपको यूज करना है पैरापेट वॉल है छत के ऊपर आपकी जो बाउंड्री वॉल जिसको पैरापेट वॉल बोलते हैं वहां पे आप यूज कर रहे हैं तो बिल्डिंग नहीं है क्या वो बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है बनाने के लिए वो क्ले का बना है तो ये बिल्डिंग मटेरियल नहीं है क्या रॉकेट साइंस की क्लास करेंगे रॉकेट साइंस की क्लास एक दिन में हमारे पास जो टाइम होता है उसमें से आठ घंटे सो लेंगे बाकी जो हमारे सोलह घंटे बचे उनके अंदर क्लासेस रिविजन ये सब कर लेंगे और फिर जो टाइम बच जाएगा उसमें रॉकेट क्लास होती है स्लाइट मीनस हल्का सा स्लाइट है और ये स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं फ्लोरेसेंस के लेवल जो हैं नील है, है मॉडरेट है हाई है या फिर एक्सट्रीम है इस पोर्शन से क्वेश्चन आएगा सर इस पोर्शन से क्वेश्चन आ सकता है दोस्त नए टॉपिक्स नए क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इनसे रिलेटेड बनते हैं क्वेश्चन इजीली हम डिस्कस कर रहे हैं तो ज्यादा पोर्शन ऐसे याद नहीं करने आपको जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछ लिया गया सीलिंग टाइल्स जो हैं

और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है इनका जो क्राइटेरिया है या जो एग्जाम में आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना मिनिमम मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है कम से कम कितनी होनी चाहिए तो 0.015 पॉइंट एट एन एवरेज होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल टाइल की अगर हम बात करें तो वो जीरो होनी चाहिए क्लियर ये बस याद रखिएगा इस तरीके से कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था जिन दोस्तों ने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक कर सकते हैं और हाँ जी थैंक यू दोस्त चलो टॉलरेंस का मतलब होता है टॉलरेट करना सहन करना सहन शक्ति यहां पे सहन शक्ति की बात क्या है यहां पे हम कितना अलाउ कर रहे हैं कितना टॉलरेट कर सकते हैं है ना आपका दोस्त आपको परेशान करता है तो आप कितना टॉलरेट करेंगे उसकी अच्छी अच्छी बातों को फिर उसके बाद आप एक्शन ले लेंगे और प्यार से समझा देंगे उसको तो टॉलरेंस का मतलब कि कितना अलाउड है कितना हम मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं कितना परसेंट अलाउ किया जा सकता है इसकी बात कर रहे थे हम रिफ्रेक्ट्री ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स कल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्रेक्ट्री ब्रिक्स क्या होती हैं तो रिफ्रेक्टरीनेस और उसके बाद हाई मेल्टिंग लो मेल्टिंग ये आपको पॉइंट्स जो है इनके जो टेम्परेचर वैल्यूज हैं वो याद होनी चाहिए ये इतना ज्यादा डिटेल में ना भी याद हो तो चल जाएगा रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स जो होती है कलर ऑफ मतलब बहुत सिंपल जेई क्वेश्चन क्या पूछते हैं रिफ्रेक्ट्री ब्रिक्स आर कौन सी ब्रिक्स होती हैं जो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर जाती है दैट इज इट होती हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए भी और ज्यादा डिटेल में आ जाए तो टेम्परेचर पूछेगा टेम्परेचर रेंज पूछेगा तो सेवनटीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा या फिर पंद्रह अस्सी पंद्रह सौ अस्सी फिफ्टीन हंड्रेड एट्टी डिग्री सेल्सियस टू बी वेरी प्रिसाइस की उतने टेम्परेचर को वो रिटेन कर जाए रुक जाए उसके ऊपर खराब ना हो कलर व्हाइटिश येलो व्हाइट येलो का कॉम्बिनेशन होगा या फिर लाइट ब्राउन होगा उसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो लगभग चार से दस परसेंट के बीच में होता है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इतनी तो उनकी होनी ही चाहिए यहाँ पर इनको कहाँ पे यूज कर सकते हैं ब्लास्ट फर्नेसिस जो होती हैं बहुत तेज टेम्परेचर जहाँ पे होगा वहां यूज कर सकते हैं बॉयलर्स के अंदर चिमनीज के अंदर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ से हाई टेम्परेचर की जो गैसेज हैं वो वहां से इवेक्यूट करेंगी वहां से निकलेंगे यहाँ पर तो बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं उनके अंदर मैग्नीशिया ब्रिक्स होती हैं जिनके अंदर 85 परसेंट मैग्नीशिया होगा कैल्शियम ऑक्साइड होगा बाकी परसेंट और मतलब मैक्सिमम 25 लिखा है अब ये नहीं है कि 85 फाइव प्लस ट्वेंटी हंड्रेड से ज्यादा तो एक्सीड करेगा ही नहीं कि मिनिमम 85 परसेंट मैग्नीशिया यूज कर सकते हैं और मैग्नीशिया जो आपके पास कॉम्पोजिशन होगा कैल्शियम ऑक्साइड का वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 हो सकता है ओवरऑल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो मतलब 15 परसेंट के लगभग वो आप रख सकते हैं कुछ और इंग्रेडिएंट अगर मिक्स करना हो तो सिलिका मिक्स कर सकते हैं सिलिका भी 5.5 परसेंट से ज्यादा नहीं होगा तो मैक्सिमम लिमिट्स आपको बताई गई है कि सिलिका की फाइव होगी कैल्शियम ऑक्साइड अगर होगा तो ट्वेंटी होगा लेकिन मैग्नीशिया आपको इतना रखना है नेक्स्ट बॉक्साइड ब्रिक्स जो होंगी यानी कि एल्युमिनियम का कॉन्टेंट इसके अंदर ज्यादा होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसके अंदर एटी होगा और बाकी जो कॉन्टेंट है सो मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट उसके अंदर क्ले हो सकता है तो अब एटी फाइव और फिफ्टीन का ही यह ऑप्शन यहां पर बचता है हमारे पास बस इन ब्रिक्स के लिए मैक्सिमम वाले लिमिट स्पेसिफाई की गई है कि जो आपकी बेसिक रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स है उनके अंदर लाइन पच्चीस परसेंट से ज्यादा नहीं होगा सिलिका पांच पॉइंट पांच परसेंट से ज्यादा नहीं होगा एल्युमिनियम वाले के अंदर एटी फाइव परसेंट एल्युमिनियम होगा और ये बीस परसेंट से ज्यादा क्ले नहीं होगा नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मोजेलिका मोन्जेलिका जो आपको समझ में आता है उसकी अगर हम बात करें तो वर्ड याद रखना है इतना ज्यादा दिल पे नहीं लेना है वर्ड याद रखना है वर्ड याद रखने के बाद ये जो प्लेट रखी हुई नजर आ रही है ये याद रखनी है बस तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अर्दन वेयर है इसके आर पार नहीं देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी इसके ऊपर कलाकारी की गई है यहाँ पे तो इटालियन अर्दन वेयर है जिसको कोट कर दिया गया है ओपेक व्हाइट एनिमल से व्हाइट एनिमल है इसके ऊपर लगा हुआ इसके ऊपर आगे फर्दर डेकोरेशन या फिर ऑर्नामेंटल जो वर्क है वो इसके ऊपर हुआ है इसके ऊपर और इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लो हीट क्लेज जिसके अंदर बीस परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको भी ऐड किया जाता है चौक के फॉर्म के अंदर यहां पर डोरवेज के अंदर रस्तों में भी इनको बनाया जा सकता है इसको लगाया जा सकता है मुजैलिका को और विंडोज के विंडो की जो केसिंग होती है डेकोरेशन के लिए पुराने महलों के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये सब फेसिंग टाइल्स ऐसी टाइल्स जो कि विजिबिलिटी के अंदर आती है जयपुर में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे दिख जाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर ठीक है हां जिनको भूख लगे आएगा अभी ग्लेजिंग क्या होती है ग्लेजिंग जो होती है जो भी क्ले के प्रोडक्ट्स होते हैं जितने भी अगर आप आप देखेंगे वॉशरूम्स के अंदर आप प्रोडक्ट देखते हैं आप टाइल्स देख रहे हैं या फिर और भी जो आपको सिंक दिखेगा वॉश बेसिन दिखेगा तो उनके अंदर क्या होता है वो एक्चुअल में है एक क्ले का ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके ऊपर एक शाइनिंग आ गई है उसके ऊपर क्या आ गई है एक आप ऐसे कह लीजिए ग्लेज आ गई है तो ग्लेजिंग कर दी जाती है यहां पर एक ऐसी इम्परवियस फिल्म होती है अब ऑब्वियस सी बात है कभी आपने ऑब्जर्व किया कि जब आप हैंड वॉश कर रहे हैं या फेस वॉश कर रहे हैं तो आपका जो सिंक था वो सिंक वॉटर को एब्जॉर्ब कर गया सिंक के अंदर पानी जो है उसने अब्जॉर्ब कर लिया है वो बहुत ही उससे बाद में पानी टपक रहा है ऐसा नहीं होता है ना वो मतलब क्या हो जाता है वो इम्परवियस हो जाता है उसके थ्रू पानी जो है वो नहीं जा पाएगा एक शाइन आ जाती है एक अच्छी अपीयरेंस जो है उसकी बन जाती है तो ग्लेजिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रोटेक्टिव फिल्म प्रोवाइड कर देना जो कि ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है और ओपेक भी हो सकती है ट्रांसपेरेंट मतलब जो एक्चुअल वो क्ले का जो प्रोडक्ट था ना जैसे आपको बहुत सारे ऐसे अर्दन वेयर में दिखेगा या जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं जो ऐसे जिनके ऊपर एक्चुअल उनका कलर जो होगा वो मिट्टी वाला ही दिखेगा लेकिन ग्लेजिंग होगी उनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होगी

तो इतना था हमारा आज का सेशन क्ले प्रोडक्ट्स के बारे में आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा समझ में आया होगा अगर आप हमारे साथ और पढ़ना चाहते हैं तो अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस मैंने आपको बता दिया है कि अन अकेडमी स्पेशल क्लास या ओवरऑल हमारा रूटीन क्या रहेगा 9 पीएम के ऊपर हमारा वाई सेशन होगा यूट्यूब सेशन सिविल 101 के ऊपर

बैच जो स्टार्ट होगा वो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा और इस बैच के अंदर अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई तक एक ऑफर है अगर आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके अंदर क्या करना होगा अन अकेडमी के ऐप के ऊपर जाना है गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं कोड यूज करना है आपको संदीप डबल वन संदीप डबल वन अगर आप यूज करेंगे तो आपको टेन परसेंट की जगह ट्वेंटी परसेंट इंस्टेंट ऑफ मिलेगा और जो अन अकेडमी के जो भी सब्सक्रिप्शन हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो अभी क्योंकि अभी एग्जाम आया है तो इसके चलते हुए काफी ड्रॉप कर दिया गया है उनको तो एस से रिलेटेड और बहुत सारे बैचेस जो है वो चल रहे हैं इन बैच के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आ, अभी जो नेक्स्ट बैच शुरू होगा ट्वेंटी फर्स्ट को शुरू होगा तो ट्वेंटी फर्स्ट को आप अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पर भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर भी सेशन होंगे हमारे अगर आपको और बहुत ज्यादा डिटेल में चाहिए अगर आपको और अलग अलग टीचर से अगर आपको पढ़ना है आप चाहते हैं और ज्यादा सब्जेक्ट्स में पैरली कवर कर पाऊं तो उसके इसमें कर सकते हैं यूट्यूब का शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया तो देखो दोस्तों हर चीज के बेनिफिट्स हैं आपकी चॉइस होती है लास्ट में कि आपको कौन सा पाथ जो है कौन सा रूट आपको सेलेक्ट करना है तो आपके पास सारे चॉइसेस हैं आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से पढ़ लीजिए आपको स्पेशल क्लास से चाहते हैं वहां से पढ़ लीजिए अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे और ज्यादा डिटेल में चाहिए और ज्यादा मुझे सपोर्ट चाहिए या और कंटेंट जो है वो और एक्सक्लूसिव चाहिए जितना यहां पढ़ रहे हैं इससे भी ज्यादा चाहिए तो आप उस कैटेगरी के अंदर भी आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं सो टोटली अप टू यू कि आपका कॉल है आपका फ्यूचर है आपका करियर है कि आपको क्या चूज करना है तो नेक्स्ट जो हमारा बेस्ट स्टार्ट होगा वो ट्वेंटी फर्स्ट स्टार्ट होगा और जो एजुकेटर्स हैं अलग अलग एजुकेटर्स हैं वहां पर पढ़ा रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट जो है वो ले रहे हैं तो कल हमारा एक सेशन होगा जिसके अंदर एजुकेटर से आप बात भी कर सकते हैं अबाउट व्हाट इज कमिंग इन दिस बैच तो उसके बारे में भी हमारा सेशन रहेगा उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं और बाकी आपके जितने भी फेवरेट एजुकेटर्स हैं वो भी सारे यहां पर मिलेंगे आपको सो यू कैन स्टडी विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स एट सिंगल प्लेटफॉर्म ठीक है पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको जस्ट आफ्टर दिस सेशन कल मतलब आपको पैटर्न क्या फॉलो करना है अब आप सुन लीजिए ठीक है ये बात हो गई यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गई होगी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कोड संदीप डबल वन आप यूज कर सकते हैं संदीप ग्यारह यूज कर सकते हैं आपको ट्वेंटी परसेंट या जो भी मैक्सिमम ऑफर चल रहे होंगे आपको सब मिल जाएगा इसके ऊपर ओवरऑल शेड्यूल हमारा कुछ इस प्रकार से है नौ बजे वाला जो सेशन है जैसे ही ये ओवर होगा तो इस नौ बजे वाले सेशन के ओवर होने के बाद आपको क्या करना है आराम से अपने आप को बोलना है आज अपने आप को क्या बोलना है कि सर हाँ ब्रिक्स खत्म हो गया अपने आप को ये बोलना है कि हमने एक टॉपिक कवर कर लिया अच्छे से समझ में आ गया इसको कल सुबह आराम से रिवाइज करना है बस इतना करना है जब भी आप सोते हैं ना तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये चीज रियलाइज होनी चाहिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि यार जो हमने मेहनत किया ना अगर आप खुद अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो दूसरा तो कोई करेगा ही नहीं पड़ोसी रिश्तेदार ये तो वैसे ही आपको डिग्रेड करने में लगे रहेंगे और एक बात ये है ना देखो जब भी आप कोई मेहनत करो ना तो एक दो चीजें आप बेसिक लेकर चला करो अपने साथ में कि हमें क्या करना है खुश रहना है खुद खुश रहना दूसरों को खुश करना है मेहनत करेंगे और सफल हुए तो हम खुश हमारा परिवार खुश और अगर सफल नहीं हुए तो पड़ोसी और रिश्तेदार खुश तो किसी भी वे में हम कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं हैप्पीनेस को हम हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं अब वो किसको मिल रही है वो डिपेंड है सफल हुए तो हमें और हमारे परिवार को मिलेगी नहीं हुए तो बाकियों को तो टोटली यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हैप्पीनेस जो कि सबसे बड़ा कॉज होता है दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज है वो खुशी ही है हम जो भी काम कर रहे हैं हैप्पीनेस के लिए तो कर रहे हैं हर क्यों का आंसर लास्ट में हैप्पीनेस ही आएगा अब हैप्पीनेस किस लेवल की छोटी मोटी चीजें हमने कंप्लिश कर ली कुछ टारगेट हमारे अचीव हो गए कुछ लाइफ में हमने सक्सेस पा ली तो थोड़ी खुशी होगी और ज्यादा पैसा आ गया और ज्यादा वेल्थ आ गई थोड़ी और ज्यादा खुशी हो जाएगी फिर उसके बाद अगर घर परिवार अच्छा है सुख शांति है बीमारी नहीं है और ज्यादा खुशी हो जाएगी फिर उसके बाद नेक्स्ट 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 लेवल जो आता है वो तो असीम जो अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस जो होती है जिसे आनंद बोला जाता है जो मतलब तभी मिलता है जब आप पीस पे आ जाते हैं जब आप भगवान से खुद को रिलेट कर लेते हैं या फिर ऐसा कुछ है कि ये दुनियादारी की बातें आपको इम्पैक्ट नहीं करती हैं आप एकदम स्टेबल हो जाते हैं काम हो जाते हैं तो वो एक अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ पीस जब मिलता है जब ये बोल देते हैं कि गॉड और जो पर्सन है उनका मीटिंग हो गई ऐसा कुछ हो गया सो so बेसिकली जिस भी मतलब कोई भी अगर आप रिलीजन की बात कर लीजिए अल्टीमेटली बात यहीं पे आ जाती है अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस सो दैट इज बेसिकली जब हम बाकी सारी चीजें हमारे हमें इफेक्ट नहीं करती हैं सुख दुख कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा सो so ये चीजें आती हैं तो हर क्यों का आंसर जब खुशी है तो खुशी से ही स्टार्ट करिए एट द एंड ऑफ द डे मेन कंक्लूजन क्या है कहने का मतलब क्या है कि जब आप पढ़ते हैं ना पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सोने तक मेहनत कर रहे हैं अगर आप अपने आप को ही शाबाशी देकर नहीं सोएंगे अगर आप अपने आप को ही अप्रिशिएट करके नहीं सोएंगे अगर अपने आप को ही आप अच्छी चीज़ें नहीं बोल के सोएंगे तो दूसरे तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए दूसरे से तो दूसरा तो वैसे भी अच्छा नहीं बोलेगा आपको तो इसीलिए खुद के ऊपर थोड़ा सा ये चीज भी करिए खुद को भी अप्रिशिएट करिए जितना अप्रिशिएट करते हैं हम उस चीज़ से भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे ग्रो करने की टेंडेंसी मिलती है माँ बाप या फिर भाई या फिर दोस्त कोई भी अगर हमें एक चीज ऐसी बोल देता है ना यार तुम में ये अच्छी क्वालिटी है या तुम अच्छा कर रहे हो या तुम इंटेलिजेंट हो कुछ भी हमें अच्छी बात बोल देता है तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है हम वो काम करने के लिए मतलब एकदम और एनर्जेटिकली उसके अंदर अपने इनपुट देते हैं तो सोने से पहले अपने आप को ये चीज़ भी बोलिए कि हाँ डन फॉर द डे कल के टारगेट्स क्या हैं कल क्या और अच्छे से करेंगे हम ठीक है दोस्तों सो इसी के साथ एक पॉजिटिव नोट के ऊपर कंक्लूड करते हैं इस सेशन को इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद कमेंट करके आप अपने वैल्यूएबल इनपुट्स जो है वो जरूर बता सकते हैं बाकी और कोई आपसे मतलब आपका जो पार्टिसिपेशन है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काबिले तारीफ जो भी आप इनपुट्स एफर्ट जो आप दिखाते हैं वो मतलब जितना बोला जाए उसके बारे में कम है आप जैसे होनहार दोस्त जो है वो हमारे साथ हैं ये हमारा सौभाग्य है थैंक यू सो मच मिलते हैं हमारे अगले सेशन में तब तक के लिए टेक केयर बाय कल शाम को सात बजे हमारी स्पेशल क्लास होगी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई से प्लस सेशन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे और स्केड्यूल आपके सामने है कुछ और जो भी चेंजेस होंगे और सेशन एड होंगे उनके बारे में आपको डेफिनेटली बता दिया जाएगा वन जीरो वन पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच